बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो ना काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने ना आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई तो कर दिया था बहुत सारों का, लेकिन ना मैंने वो पढ़े नहीं थे रिकॉर्डिंग के दौरान। तो मैंने कहा चलें, मेरी एक रीडर हैं, लिसनर हैं, उन्होंने कहा है कि आप दोबारा से ये पढ़ें, मैं अपना नाम सुनना चाहती हूँ। तो चलें हम आज सबसे पहले कमेंट्स पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके किसने क्या क्या कौन कौन से रिस्पांस दिए हुए हैं किस नावल पे। तो चलिए सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं। हाँ जी, ये जो मैंने नावल अपलोड किया था सेकंड मैरिज बेस्ड पे, तो उस पर मास खान का आया है कमेंट। थैंक्स डियर अमेजिंग, बहुत शुक्रिया मास। शमा परवीन, बेहद खूबसूरत स्टोरी है, थैंक्स फॉर अपलोडिंग इट, बहुत शुक्रिया शमा जी। उसके बाद हैं मिसेज आमिर, इन्होंने भी इमोजी सेंड किया है। अच्छा जी, फिर है माई सॉन्ग्स, आयशा हैं ये, इनकी आईडी का नाम माई सॉन्ग्स है लेकिन इनका अपना नाम आयशा है। ये है जी, सुपर ब्यूटीफुल नावल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुबशरा काशिफ, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। फारिया शेख, किधर गायब हैं आप, आपके कमेंट आना आप कम हो गए हैं, अमेजिंग नावल, बहुत शुक्रिया। आमना इमाद, बेस्टेस्ट वन नावल, सो गुड, बहुत शुक्रिया। सुग्रा फातमा, आपकी वॉइस नाइस है पर स्लोली रीड करें प्लीज़। जी ज़रूर सुग्रा जी, अभी तो शुक्र करें कि मैंने थोड़ी अपनी स्पीड पे कंट्रोल किया है, वरना तो मैं आप मेरे अगर कभी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ज़ाहिर है इंसान को पता नहीं होता, तो आप जैसे लोग ही थोड़ी बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ जब कमेंट करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। तो मैंने काफ़ी हद तक अपने स्पीड को कंट्रोल कर लिया है, तो इंशाल्लाह आइंदा से आपको दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कंट्रोल रखूँ, लेकिन जब इंसान पढ़ रहा होता है ना फ्लो में, तो फिर उसको पता नहीं चलता, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम होती है। बहरहाल आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। सना रफीक, नाइस नावल, बहुत शुक्रिया सना, आपका अंदाज़े बयां सुपर, बहुत शुक्रिया सुमेरा नजीब, बहुत 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 शुक्रिया। कोशिश पूरी होती है लेकिन कहीं ना कहीं कमी कोताही हो जाती है। अब हैं जी असमा दिल, मेरी बहुत प्यारी लिसनर रीडर हैं, ज़बरदस्त हैप्पी, मोस्ट ब्यूटीफुल नावल, बहुत शुक्रिया असमा। शमा परवीन, वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी मेरे हर नावल पे कमेंट ज़रूर करती हैं, बहुत शुक्रिया शमा जी। फिर है इनका एक, इन्होंने वो एक ऐसा शजर वो पे कमेंट किया था, गुड, बहुत शुक्रिया। मुबशरा काशिफ, ये भी बहुत ज़्यादा कमेंटिंग करती हैं, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। हुमैरा आमिर, बहुत इन्जॉय किया, बहुत शुक्रिया कि आपने इन्जॉय किया। माई सॉन्ग आयशा, वेरी नाइस नावल, थैंक यू फॉर यू, थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने इसको सुना पढ़ा। फारिया शेख, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नावल, थैंक्स लॉट, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया प्यारी बहन, जज़ाकल्ला खैरन कसीरा। वो एक ऐसा शजर हो पे किया है दिलनशीन सिमरन ने, मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, तो नावल सुपर अमेजिंग एंड फैंटास्टिक है, बहुत शुक्रिया दिलनशीन। मास खान, ज़बरदस्त अमेजिंग नावल, बहुत शुक्रिया मास जी। असमा दिल, अमेजिंग एपिसोड, ब्यूटीफुल नावल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फारिया शेख, वेल डन आया था आपकी, मज़े की स्टोरी है, आई लाइक दिस नावल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आया। मुनीत नाइमा, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। मेरे बांग्लादेश के रीडर्स किधर हैं लिसनर, वो भी कमेंटिंग करते होते हैं, आजकल कहीं गायब हैं। दिलनशीन सिमरन, माशाल्लाह ये नावल भी हमेशा की तरह बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया दिलनशीन। आयशा हैं जी माई सॉन्ग, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला इतनी प्यारी दुआ के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शमा परवीन, गुड शमा जी, देख लें, सबसे ज़्यादा आपके कमेंट में पढ़ रही हूँ क्योंकि आपने इस दफ़ा कमेंटिंग बहुत ज़्यादा की है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। दिलनशीन सिमरन, बेहतरीन नावल है, शुक्रिया दिलनशीन। आयशा हैं जी, नाइस, बट ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो एक ऐसा शजर हो, कहानी ही ऐसी है, नावल ही ऐसा है कि सब ने इसको पढ़ा हुआ होगा यकीनन, और मेरे जैसे लोग तो बार 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 पढ़ते हैं इसे। सबाहत नदीम, नाइस, बहुत शुक्रिया सबाहत।
ये था जी भीगते मौसम का इकरार। इतनी मज़े की ये स्टोरी थी, बहुत ही मज़े की ये स्टोरी थी, फ़नी सी थी थोड़ी, बॉस सेक्रेटरी बेस्ड ये स्टोरी थी। मिसेज़ आमिर का इस पे कमेंट है, रियली इन्जॉयड, शुक्रिया आपने इन्जॉय किया क्योंकि वाकई कहानी बड़ी इन्जॉयबल थी। अम्मार अहमद, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया अम्मार। असमा दिल, मोस्ट ब्यूटीफुल लवली नावल, बहुत शुक्रिया असमा आपका। रूबी शेख, इंटरेस्टिंग नावल जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग नावल था। शमा परवीन, वेरी इंप्रेसिव स्टोरी जी, बिल्कुल राइटर ने बहुत प्यारा लिखा हुआ। मिसेज आमिर, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बेहतरीन जी। अब जी मुबशरा काशिफ, वेरी वेरी गुड, शुक्रिया। मास खान, नाइस, ज़बरदस्त, अमेजिंग। फिर है जी मास खान, थैंक्स डियर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आए, आपको पसंद आया, आपने सुना, आपने रीड किया। फारिया शेख, इट्स अमेजिंग आउटस्टैंडिंग नावल, थैंक्स, शुक्रिया फारिया। शमा परवीन, सुपर, बहुत शुक्रिया। जबरी मिर्ज़ा, वाओ जी, बिल्कुल वाओ। असमा दिल, सो स्वीट नावल, शुक्रिया असमा जी। अच्छा जी, तो हैं जी ये शमा परवीन, इन्होंने सेकंड मैरिज पे जो कमेंट किया है, जो मैंने नावल अपलोड किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डियर आयत, व्हाई डोंट यू रीड आवर कमेंट्स नाउ, आई एम ईगरली वेटिंग टू लिसन माय नेम फ्रॉम यू। ओ थैंक यू सो मच कि आप मेरे मुँह से अपना नाम सुनना चाहती हैं, आप इतनी स्वीट हैं, इतनी स्वीट है, मैं क्या कहूँ। मेरा ख्याल है आज का जो मैंने ये रिकॉर्ड किया है नावल, उससे आपको कोई भी मतलब ना वो नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपके कमेंट, आपने माशाल्लाह से इतने ज़्यादा कमेंट किए हैं कि हर मतलब एक पेज पे आपका कमेंट आ रहा है, हर एक नावल पे आपके कमेंट आ रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है आज के मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूं जो कि मैंने पढ़े भी हैं। तो आप देख लें, मैंने आपका नाम ले लिया है, शमा परवीन जी, बहुत शुक्रिया, आप कमेंट करती हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देती हैं, मुझे इतना सपोर्ट करती हैं। इंशाल्लाह आगे भी कमेंट करते रहें, मैं आपका यकीनन जो जो कमेंट करता है मैं बकायदा से उसका नाम लेकर तो उसको वो करती हूँ। तो फिर हैं जी ये एम राशिद, आई थिंक ये मास खान है, वाओ सुपर नावल, माई सॉन्ग आयशा, फारिया शेख, अमेजिंग नावल, एक सालार है, एक सालार सिकंदर था, सबका फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, बिल्कुल जी, सालार सिकंदर तो सबका बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट और लाडला है, जो मेरा तो लाडला है, जो साफ बात है, आप लोगों का पता नहीं है। तो चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन से निकलते हैं क्योंकि मैंने सबके कमेंट पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं नावल की तरफ। आज जो मैंने नावल चूज़ किया है वो मैंने किया है शुआ डाइजेस्ट से, आयशा है मेरी लिसनर माई सॉन्ग की आईडी से, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना शुआ ख़वातीन के भी पढ़ा करें। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा ना सबकी फरमाइश को पूरा करूं। तो सबको ही पता है कि शुआ और ख़वातीन सबसे पुराने जो डाइजेस्ट हैं, जो सबसे पहले डाइजेस्ट मतलब पब्लिश हुआ करते थे, वो ख़वातीन और शुआ हुआ करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किरण, आंचल, रिदा है ना, इस तरह हम बढ़ते गए ना। तो आज भी जो मैंने स्टोरी सेलेक्ट की है वो शुआ से की है, इसका मंथ मुझे याद नहीं है और जो ईयर है ना, आई थिंक मंथ मार्च है और ईयर 2002 या 2004 का ये होगा। बहुत प्यारी स्टोरी है, बेसिकली ये शोबिज बेस्ड है, लड़की जो है वो बेसिकली पेंटिंग करती है, पेंटिंग का उसको शौक होता है, वो हीरो को देखती है एक नज़र तो उसको पेंट कर लेती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि हीरो जो है वो शोबिज इंडस्ट्री से ना उसका ताल्लुक होता है। तो वो उस शोबिज वालों को इतना कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं करती, उस उनसे चिढ़ती है, जो मतलब वो है हीरो है वो उसको पसंद करने लग जाता है। उसी पे बेस्ड ये ट्विस्टेड स्टोरी है, इसमें किडनैपिंग भी है, इसमें एंगर भी है, इसमें हेट भी है, थोड़ा सा सस्पेंस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नावल का नाम है मसीहा दिल का और राइटर हैं जी सायरा कशिश। वो ग्रे शेवरलेट से टेक लगाए लामत ना ही सोचो मैं गुम थी कि एकदम चौंक उठी। सड़क के किनारे स्याह हुंडा कार एक झटके से रुकी, उसका फ्रंट डोर खुला और फिर अंदर से जो शख्स बरामद हुआ उसके बेपनाह और गैर मामूली हुसन ने उसे साकत कर दिया। उसकी निगाहें गोया उस पर जम कर रह गईं, वो स्याह जीन्स और ब्लू चेकदार शर्ट में मलबूस था। एक तमकिनत के आलम में उसने कार का दरवाज़ा बंद किया, उसके रेशमी ब्राउन बाल हवा के जोर पर एक रिदम से ऊपर उठे,
उसने स्याह गॉगल्स चढ़ाए और सामने बने हुए सुपर स्टोर का ग्लास डोर खोलकर अंदर चला गया। वो एक मामूल की तरह गुमसुम उस मंजर की सारी जुज़ियात अपने अंदर उतार रही थी। पुरहजूम जगह, आती जाती ट्रैफिक, सड़क का किनारा और गुमसुम अबीरा अहमद अलवी। इर्द गिर्द की हर चीज़ से बेनियाज उसकी शख्सियत के शहर में गुम थी। स्टोर का ग्लास डोर खुला, अपने हाथों में पेप्सी का टिन थामे वो तेज़ी से हंडा कार्ट की तरफ बढ़ा। कार का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। कार का इंजन गुर्राया तो वो गोया होश में आ गई, जैसे किसी ख्वाब से चौंक उठी हो। वो भी तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। हंडा कार तेज़ी से ट्रैफिक के अजदहाम में गायब होती जा रही थी। उसके जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। उसने भी जल्दी से कार स्टार्ट की और उसके पीछे रवाना हो गई। आते जाते लोगों ने उसे इंतहाई हैरत के आलम में देखा। चंद देखने अजीब वो गरीब इशारे भी किए, मगर वो ना कुछ देख रही थी और ना सुन रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई, चारों नजारों से अपनी कार रोकनी पड़ी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कार उड़ा कर ले जाए। रास्ता खुला, उसकी कार हरकत में आई, मगर वो स्याह हंडा कार अपना निशान खो चुकी थी। वह सड़क पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाती रही। उसने लाहौर की सारी सड़कें नाप डाली, मगर हंडा कार्ड का कहीं कुछ पता ना था। उसे यूं लगा जैसे उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार दी हो। वह खुद अपनी सोचों पर हैरान थी। उसका दराज कद और मकनातीसी कशिश का हामिल चेहरा, उड़ते हुए ब्राउन सिल्की बाल, उसकी पुरवकार शख्सियत का उसका एक एक नक्श उसकी निगाहों में जिंदा हो रहा था। उसके अंदर उसके बेपनाह हुस्न को कैनवस पर बिखेरने की शदीद तरीन ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसे तस्लीम करना पड़ा था कि उसके अंदर ऐसा कुछ था जो उसने उससे पहले किसी में नहीं देखा। वो ऐसा क्या था, ये तो वो नहीं जानती थी, मगर उसे अपनी नई पेंटिंग का मॉडल बनाना चाहती थी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। फाइन आर्ट उसका सब्जेक्ट था। उसकी पेंटिंग्स का असल मौजू कुदरती मनाजिर थे। स्केचेस बनाने की सलाहियत भी उसके अंदर बदरजा आता मौजूद थी। वो अजनबी पहली मर्दाना शख्सियत थी जिसे वो मॉडल बनाना चाह रही थी। इतना मुकम्मल हुसन उसकी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। वो मुल्क के एक नामवर सियासतदान और सनतकार की बेटी थी। मुसव्वरी की सलाहियत उसके अंदर बचपन ही से थी। उसकी मामा ने उसके रुझान को देखते हुए एफए में उसे फाइन आर्ट रखवा दी थी। मॉडल के लिए ज़रूरी है कि वो निगाहों के सामने हो, और हर वक्त उसकी निगाहों के सामने वो रहता था। एक दिन, दो दिन, यहाँ तक के 15 दिन गुजर के, मगर वो मंजर झूका तो उसकी निगाहों के सामने मौजूद था। अचानक एक ख्याल ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। वो तो उसकी निगाहों के सामने हर वक्त रहता है, तो वो उसको अपना मॉडल क्यों नहीं बना सकती। वो अपने पेंटिंग रूम में चली आई। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके दरो दीवार पर मुख्तलिफ किस्म के मुसव्वरी के शाहपारे आरास्ता थे। इसमें एक मेज़ और दो कुर्सियाँ थीं, एक काउच भी था, बाकी तमाम हॉल खाली था। उसने एक एजल संभाला, उसमें कैनवस सेट किया। पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर वो पुरख्याल अंदाज में कैनवस को देख रही थी। उसने सोचा सबसे पहले वो उसकी आंखें पेंट करेगी। उसकी आंखें कैसी थीं, उसने सोचा। उससे याद करने की कोशिश की। हल्की सब्ज़ और कुछ कुछ नींद में डूबी आंखें। उसे बेख्तियार अमजद इस्लाम अमजद की नज़म के कुछ मिसरे याद आ गए। जब उसकी आंखें मुकम्मल हो गईं तो वह दम बखुद रह गई। वो आंखें अपनी इतनी मकनातीसी कशिश समेत उसे देख रही थी, उसके आर पार उतर रही थी। वो सचमुच की जीती जागती आंखें महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद करके उसके नकूश को आवाज़ देती और वो रोशन हरफों की तरह वाजे हो जाते। सुबह उसने पेंटिंग शुरू की और शाम को उसका पोर्ट्रेट तैयार था। जब वो पेंटिंग रूम में होती थी कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। ये उसका पहला शाहकार था जो एक ही दिन में मुकम्मल हो गया था। उसकी सारी कज़न्स उसके सर पर सवार थीं। वो उसे आल पाकिस्तान पेंटिंग कंपटीशन में अव्वल आने पर ट्रीट मांग रही थी, जबकि वो उन्हें नज़रअंदाज किए रिमोट कंट्रोल से चैनल पर चैनल बदल रही थी। तुम्हें पहला प्राइज़ मिला है, इसलिए हमें आवारी में डिनर दो माँ, हमने उसके हाथ से रिमोट छीन लिया। हाँ बीरा, तुम्हें फ़ौरन से पहले ट्रीट देनी चाहिए। उस वक्त सबाहत चाय की ट्राली के सीटते हुए वहाँ चली आई। ओह थैंक्स चाची जी, जैनी ने फ़ौरन चाय का कप उठाते हुए नारा लगाया। ओके मामा जी, चलो उठो छोड़े लो, 8 बज रहे हैं। अबीरा ने रिस्ट वॉच देखते हुए टीवी ऑफ किया और उठ खड़ी हुई। तैयार तो हो जाओ, माँ ने अपना मेकअप ज़्यादा चेहरा मज़ीद बिगाड़ा। अरे छोड़ो, ये तो ऐसे ही आफत लग रही है, फ़ायज़ा ने उसे तौसीफ़ी नज़रों से देखा। दागों की कढ़ाई से मुज़य्यन बेबी पिंक कलर के सूट में वो बहुत सोबर और पुरकशिश लग रही थी।
मेकअप से बेनियाज चेहरा चांद की तरह धमक रहा था। ड्राइविंग सीट माँ ने संभाल ली। अबीरा फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठ गई, बाकी चारों पीछे बैठी हुई थी। अबीरा की अपनी उन कजन्स के साथ नजरियाती इख्तलाफात थे। वो मगरबी तहजीब की दिलदादा थी, जबकि अबीरा अपनी वालदा की तबीयत की वजह से मशरकी अख्तार को बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी। वो दुपट्टा सर पर ना सही मगर अच्छी तरह अपने गिर्द इर्द गिर्द लपेट लेती थी। माँ अक्सर उस पर बेहुदा तबसरे करती, अबीरा डियर अगर तुम पेंडुओं की तरह दुपट्टा ना ओढ़ो बल्कि दुपट्टा लो ही ना, तो तुम्हारा ये स्लम फिगर लड़कों को पागल करके रख दे। इतनी बेहुदा और फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में क्या आ कैसे जाती हैं, अबीरा जलकर कहती। उसे अपनी कजन्स के बेहुदा हुलियों पर एतराज़ था। बगैर आस्तीन के गहरे गलों वाली नाइट सी शर्ट और चुस्त जीन्स में उनके जिस्मानी खदोखाल जिस तरह उजागर होते थे, वो उनके लिए डूब मरने का मकाम था। मगर जब उनके वालदीन ही को उनके हुलियों पर एतराज़ ना था, तो वो भला क्या कर सकती थी। वो सब अवारी के डाइनिंग हॉल में एक मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर विराजमान थी। अबीरा डियर, मैंने तुम्हारे लिए खसूसी गिफ्ट लिया है जो कमरा नंबर 337 में एक सरप्राइज़ के तौर पर मौजूद है। ये कमरा सेकंड फ्लोर पे है, तुम ऊपर जाकर गिफ्ट देख लो, इतनी देर में डिशेस तैयार हो जाएंगी। माँ के होंठों पर मनी खेज मुस्कुराहट तैर रही थी। गिफ्ट और मेरे लिए, अबीरा ने बेयकीनी से अपनी तरफ इशारा किया। यस ऑफ कोर्स, माँ ने अपने लेज़र कट वाले बालों को पीछे झटका। उसके लिए मुझे बजरिए लिफ्ट ऊपर जाना पड़ेगा, अबीरा ने चिढ़कर कहा। बाकी सब एक दूसरे का मुंह तकने लगी। वो सब उस गिफ्ट के पस मंजर से यकसर बेखबर थी और हैरत से माँ की तरफ देख रही थी। इसकी सस्पेंस फैलाने वाली बेहुदा आदत नहीं जाएगी, फायजा ने मुंह बनाकर कहा। और बाकी आदत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अबीरा ने तंजिया लहजे में कहा तो माँ चिढ़ गई। बाय द वे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक दुनिया में तुम ही नेकी की मुजस्मे तफसील, मशरक़ की बाहया देवी, हम वल्गर ही ठीक है, हमें मशरकी देवी बनने का कतई कोई शौक नहीं। उसका तनफ्फुस गुस्से से तेज़ तेज़ चल रहा था। टेक इट ईजी प्लीज़, ये इन बातों का मौका नहीं, जबीरिया ने सुलह की झंडी लहराई। तुम जाओ अपना सरप्राइज़ देख कर आओ, जैनी ने अबीरा को टोका दिया। इसका सरप्राइज़ माय फॉट पकंदे, उसका आकर बोली। सोच लो, इस सरप्राइज़ का तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है, माहा ने चुपते हुए लहजे में कहा। ओके देख लेते हैं, अबीरा को एकदम ही ताव आ गया। वो लिफ्ट के जरिए सेकंड फ्लोर पर पहुंची और कमरा नंबर 337 के सामने रुक गई। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। कुरख चेहरे वाली वो इंतहाई हसीनो जमील लड़की निचले दर्जे की एक कॉल गर्ल थी। उसने एक दिन उसे गाड़ी में माँ के साथ जाते देखा तो माँ को तंबीह की कि वो उससे मिलने से गुरेज करे, क्योंकि उसकी शोहरत अच्छी नहीं। माँ ने बताया कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा है और आज वही सारा उसके वालिद के साथ कमरा नंबर 337 में एक सरप्राइज़ की सूरत में मौजूद थी। ये सरप्राइज़ उसे माहा ने दिया था, और क्यों दिया था उसका जवाब मिल गया था। बिलाशुबा माहा ने अपनी बेइज्जती का बदतरीन इंतकाम ले लिया था, मगर इस कदर घटिया अंदाज में कि वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो तेज़ी से नीचे पहुंची तो उनकी मेज़ पर खाना लग चुका था। वो मेज़ के करीब पहुंची, उसका तमतमाता हुआ सोख चेहरा देखकर सब हैरतज़दा रह गई, जबकि माहा के अंदर ठंडक सी उतर गई। माहा मकबूल अहमद अलवी, लानत है तुम्हारी घटिया जहनियत और घटिया सरप्राइज़ पे। जैसे तुम हो ना तो तुम्हारा सरप्राइज़ भी उतना ही घटिया होना चाहिए था, वो बुलंद आवाज़ में बोली तो कई लोगों ने उसे हैरत से देखा। ये कहकर वो वहाँ रुकी नहीं थी, तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए घर पहुँची। अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। रुका हुआ सैलाब बंद तोड़कर आंसू की सूरत बाहर उमड़ आया। दरवाज़ा खोलो अबीरा, मैं हूँ तुम्हारी मामा, सबाहत की परेशान आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसके रोने में और तेज़ी आ गई। दरवाज़ा खोलो बेटा, वो मुश्किल अबीरा ने उठकर दरवाज़ा खोला और बेसाख्ता सबाहत के गले लगी, और फिर अबीरा ने उन्हें सारा किस्सा तफसील से बता दिया। सबाहत की आंखों में माजी के खुशगवार दिन घूम गए जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स कर रही थी। किस कदर पुरसकून दिन थे, और उनका गांव लाहौर के नज़दीक ही वाक़ था। उनके वालिद एक बहुत बड़े जागीरदार थे, मज़ारे उनकी ज़मीनों पर फस्ते काश करते थे। उनसे हासिल होने वाली आमदन 3 अफराद पर मुश्तमिल उनके मुख्तसर कुंबे के लिए बहुत ज़्यादा थी। उनका घराना मजहबी और मशरकी रवायात का अमीन था। सबाहत के वालिद मुनीर हुसैन अलवी के वालिद के दैरूना दोस्त थे। दोनों ने इस दोस्ती को मुस्तहकम करने के लिए सबाहत और मोइस का रिश्ता तय कर दिया। सबाहत दुल्हन बनकर मोइस वाला में पहुंच गई। वो फूलों की सेज पे आने वाले दिनों के सपने सजाए अपने जीवन साथी की मंतजर थी। दूसरी तरफ मोइस हुसैन अलवी अपनी क्लास फेलो के इश्क में गिरफ्तार थे। उन्हें अपने वालिद के फैसले पर एतराज़ था, मगर सबाहत
लंबी चौड़ी जायदाद की इकलौती वारिस थी। इसी बात ने मोइस की ज़बान पर ताले डाल दिए, क्योंकि वो सियासत के मैदान का खिलाड़ी था और घाटे का सौदा करना उसने सीखा ही नहीं था। शब उर्सी मोइस हुसैन अलवी ने अपना गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लिया और नशे में धुत रात के पिछले पहर जब वो हिजला रूसी में पहुंचे तो उन्हें देखकर सबाहत के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। एक सुलझे हुए तालीम याफ्ता और बाकिरदार शरीक हयात का तराशा हुआ पैकर धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया। वो हर लिहाज से एक दूसरे का उल्ट थे, एक ज़मीन तो दूसरा आसमान, एक मशरक तो दूसरा मगरब। यूं उनके दरमियान कभी भी जहनी हम आहंगी ना हो सकी। अपने शोहर की शराब नोशी और नित नई गर्ल फ्रेंड्स के किस्से सबाहत से हजम नहीं हो सके। वो इस गलीज सोसाइटी के रंग में रंगने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी, जिसमें शर्मोहया का कोई तसव्वुर नहीं था। मगर सबाहत के वालिद ने उनके सारे इरादों को यह कहकर मिलियामेट कर दिया कि शरीफ बेटियों की डोरी तो वालिदैन के घर से उठती है, मगर जनाजा ससुराल ही से उठता है। उन्हें हर हाल में ये रिश्ता निभाना होगा। ये उनके ख़ानदान की इज्जत और गैरत का सवाल था। वो अपने ख़ानदान की इज्जत की वजह से जहर का ये प्याला चुपचाप पीने पर मजबूर हो गई और ज़िंदगी भर समझौते की राह पर चलने का फ़ैसला कर लिया, मगर अपना रास्ता नहीं छोड़ा। मोइज़ अपने रास्ते पर चल रहे थे। वो नदी के दो ऐसे किनारे थे जो साथ साथ चल तो रहे थे मगर मिल नहीं सकते थे। शुरू शुरू में मोइज़ की सरगर्मियों पर उनके दरमियान खासी तकरार होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़े दम तोड़ने लगे और सबाहत ने सबर के कड़वे घूंट पी लिए। और फिर शहरयार, शहरोज़, अबीर और समरोज़ ये के बाद दीगरे उनके आंगन में महके, मगर उनकी खुशबू भी उन्हें एक न कर सकी। तीनों बेटे अपने वालिद का अक्स थे। मोइज़ हुसैन अलवी दो दफ़ा कौमी असम्बली के इंतखाबात जीत चुके थे और इस साल के अख्ताम पर दोबारा इलेक्शन होने वाले थे, और वो अपनी सियासी कामयाबी के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ रहते थे। मामा जी, आप तो कहती थी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, 1% ऐसे भी हैं जो आला किरदार के मालिक होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था मेरा बाप भी उन 1% मर्दों में से एक होता तो आज मेरा सर शर्म से यूँ ना छुकता। अबीरा के लहजे में हसरत थी और सबाहत दिल पर पत्थर रख कर उसे दिलासा दे रही थी। अचानक ही शहरयार और भाभी शाहिना के कमरे से बुलंद आवाज़ में बातें करने और उठा पटक की आवाज़ें आने लगी। सबाहत और अबीरा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, वो ये ड्रामा हफ्ते में एक आध बार ज़रूर होता था। वजह तनाज़ा शहरयार के मशागिल थे जो उसकी बीवी के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसने सबाहत की तरह हथियार नहीं डाले थे। अबीरा ने लापरवाही से पास पड़ा हुआ मैगजीन उठा लिया और सफ़ात उलटने पलटने लगी। अब ना जाने क्या बात हुई है, सबाहत तशवीशनाक लहजे में बड़बड़ाई। वही किस्से हैं, वही बात पुरानी अपनी, वो मिनमनाई। शहरयार के बेडरूम का दरवाज़ा टीवी लाउंज में खुलता था। धड़ से दरवाज़ा खुला और शाहिना बद हवासी के आलम में बाहर आई। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर वहशतों के साए नाच रहे थे। उसके अकब से शहरयार भी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। मामा, रोक ले अपने बेटे को, मैं उसके स्याह करतूत अब ज़्यादा अरसा तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, शाहिना चीखी। क्या बात हुई है, आराम से बैठकर बात करो, उन्होंने हाथ से पकड़कर शाहिना को सोफे पर बिठाया। बात क्या होनी है, इसकी रोज़ाना की चिक चिक से मैं आजिज़ आ गया हूँ, इसको यहाँ रहना है तो ज़बान बंद करके रहना होगा, शहरयार सोफे की पुश्त पर आकर चिल्लाया। तुम्हारे काले करतूतों पर मैं खामोश नहीं रह सकती, तुम जानते हो मैं कोई घिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ, मेरे डैड कर्नल है और मैं तुम्हें ना को चने चबवा दूँगी, वो तुर्की बतुर्की बोली। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा, शहरयार को उसकी बात सुनकर मज़ीद तैश आया। तुम चुप रहो शहरी, मुझे बात करने दो, सबाहत ने बेटे को डपट कर कहा। मामा, रात को इनकी किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था, मैंने अटेंड किया और कहा कि शहरयार की बहन अबीरा बोल रही हूँ, तो कहने लगी कि शहरयार को कह देना कि कल 11 बजे PC पहुँच जाए, तो मैंने उसे बेनकद सुना डाली, उस हराफा के लत्ते लिए कि सदा याद करेगी, शाहिना चबा चबा कर बोल रही थी और शहरयार बराबर से घूर रहा था। अपना भी बताओ, तुम क्या कह रही थी कि हम तीनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, शहरयार चबाकर बोला। हाँ तो क्या गलत कहा था, शहरोज़ को जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बहन को प्रपोज़ करे, क्या मैं नहीं जानती तुम तीनों भाइयों को, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब अपनी बहन को भी जहन्नुम में धकेल दूँ, शाहिना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सच उगल दिया। तुम्हारी बहन कौन सा मिस वर्ल्ड है, मेरे भाइयों को लड़कियों की कमी नहीं, मगर मेरी ये ज़िद है कि तुम्हारी बहन ही बहू बनकर इस घर में आएगी, वरना तुमको भी तलाक का लेबल लगवा कर यहाँ से जाना होगा, समझी, वो भी कहते हुए सामने सोफे पर बैठ गया। ज़रूर दो तलाक, मगर हक महर भी तैयार रखो, शाहिना ने तफाखुर से गर्दन अकड़ाई।
तुम दोनों चुप हो जाओ, फॉर गॉड सेक, सबाहत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फ़ौरन बोली, जबकि अबीरा भी कभी शाहिना और कभी शहरयार की तरफ खामोशी से देख रही थी। वो उनके मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं करती थी। शहरयार, तुमने इतनी बड़ी बात अस खुद कैसे कह दी? बड़ों को सिरे से ही किसी चीज़ का नहीं, और तुम दोनों बिला वजह ही एक दूसरे से टकरे मार रहे हो। अगर शाहिना को अपनी बहन के लिए शहरोज पसंद नहीं तो कोई भी यहाँ से शाहिना के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएगा, वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। और शहरयार, तुम अपनी रविश बदलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्हें खामोश देकर सबाहत मजीद बोली। यही मैं चाहती हूँ मामा, ये बाजारी औरतों के पीछे भागना छोड़ दें, वो तनक कर बोली। बकवास बंद करो शहरयार, गुर्राया। तुम चुप रहो शहरी, ये ठीक ही तो कह रही है, सबाहत ने शहरयार को डांटा। आप बहू की साइड ले रही हैं? मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ शहरी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, खूब समझती हूँ कि तुम्हारे रंग ढंग क्या हैं। अभी वक्त है, संभल जाओ, शहरयार सर झुकाकर खामोश हो गया। होने को तो आप मेरी मदर इन लॉ हैं, मगर सच कहती हूँ, मुझे माँ की तरह महसूस होती हैं। ये आपकी अपनायत है कि आज मैं यहाँ हूँ, थैंक्स लॉर्ड, शाहिना तशक्कुर से भीगे लहजे में कह रही थी। उसकी आंखें नम हो रही थी। कैसी बातें करती हो तुम, मेरे लिए अबीरा से कम नहीं हो। किसी की बेटी को घर में लाकर उस पर जुल्म करना मेरे नज़दीक गुनाह कबीरा है। एक धीमी और उदास मुस्कुराहट लम्हा भर के लिए उनके होंठों पर जाहिर हुई और फिर मादूम हो गई। चलो उठो अपने जाओ अपने कमरे में, अपना मूड बिल्कुल दुरुस्त कर लो, अब तुम एक दूसरे से लड़ते नजर ना आओ, सबाहत प्यार भरे लहजे में कह रही थी। वो दोनों चुपचाप उठे और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद ही माँ हाजवेरिया के साथ आ मौजूद हुई। अबीरा बगैर किसी हिलो हज्जत के मान गई। तुम दोनों की सुलह की खुशी में ज़बरदस्त ट्रीट होनी चाहिए, जवेरिया पुरजोश लहजे में बोली। इट्स ओके, इस खुशी में मैं तमाम कज़न्स को मूवी दिखाऊंगी। नई मूवी आई है, तुम कल 3 बजे तैयार रहना, माहा ने फ़ौरन चुटकी बजाई। अबीरा ने उसे दस्तीदा नज़रों से देखा। आजकल की मूवीज़ फैमिली में बैठने के देखने के काबिल नहीं होती, वो बेजारी से बोली। अरे हमें फिल्म से क्या लेना देना, हम तो उसे देखने जा रहे हैं, माहा ने कहा। तो अबीरा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। किसे? जवेरिया की बेताबी काबिले दीद थी। वही, क्या नाम है भला सा, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा, वो बाकायदा गुनगुनाने लगी। फारान अफंदी है गालिबन, जवेरिया ने मासूमियत से सर खुजाया। ये तो किसी अफसानवी हीरो का नाम लग रहा है, अबीरा ने जलकर तबसरा किया। उसे महा की हरकतें जहर लग रही थीं। फरहान अफंदी के दीदार ख़ास ही की खातिर उन 6 कज़न्स ने एम्पायर सिनेमा पर हल्ला बोल दिया। एक जम्मे गफीर था जो उमड़ आ रहा था, उन्हें बड़ी मुश्किल से गैलरी के टिकट मिले। फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन के पर्दे खींच दिए गए, हॉल की रोशनियां गुल कर दी गईं, उसकी धड़कनें ना जाने क्यों बेतरतीब होने लगी। एक शबिया अंधेरे में जलबलाने लगी, वही साहिर अजनबी अपनी ख्वाबनाक आंखों की मकनातीसी कशिश से उसे हैप्नोटाइज कर रहा था। अचानक स्क्रीन रोशन हो गई, फिल्म के क्रेडिट टाइटल चलने लगी। वो बेजारी और अदम दिलचस्पी से उधर उधर देखने लगी। फिल्म शुरू हो चुकी थी, उसे देखकर हैरत हो रही थी। फिल्म में आर्टिस्टिक टच अरूज पर था, वह दिलचस्पी लेने पर मजबूर होगी। अचानक उसे चौंकना पड़ा, उसकी बसारतें जैसे हैरतों के समंदर में गौता जन होने लगी। वो दम बखुद रह गई, उसकी सांसें जैसे रुकने लगी। ये तो वही था, बिल्कुल वही, वही सीधे ब्राउनिश बाल, वही जज्बियत भरी सफ़ेद रंगत, वही लंबा चौड़ा खूबसूरत फिगर, वही मंजर, वही सीन, वही एक्शन। इक्शा ने बेनियाजी से स्याह हंडा कार से उतरता हुआ हीरो उसका स्टोर पे जाकर पेप्सी का कैन लेना और वापस पलटना और हीरोइन का ताकुब करना, मगर ये फिल्म थी। हीरोइन उसका ताकुब करते हुए उसके घर जा पहुँचती है, वो भी एक मुसव्वरा होती है। वो कहती है कि वो उसे मॉडल बनाना चाहती है, हीरो हामी भर लेता है। फिर पोर्ट्रेट मुकम्मल होने के दौरान वो दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और यहीं से उनका फिल्मी रोमांस शुरू हो जाता है और साथ ही एक मधुर धुन वाला गीत शुरू हो जाता है। वो पलके छपकाई एक एक मंजर दिल में उतार रही थी। गीत के दौरान वो एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक गए तो उसे अपने आसाब जैसे चटकते हुए महसूस हुए। उसका जी चाहा वो सब कुछ तहस नहस कर दे, जगमग करती सिल्वर स्क्रीन तोड़ फोड़ कर रख दे। उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसकी कज़न्स ने हैरत से उसे थपथपा देखा और तेज़ी से बाहर निकल गई। वो उन्हें वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठकर घर आ गई। ये उसके साथ क्या हो रहा है, वो उसका 1% तो नहीं, वो तो तीसरे दर्जे का एक फिल्म में हीरो निकला, वो तो गंदगी की दलदल में गोडे गोडे फंसा हुआ है, वो तो शराब के पीछे भाग रही थी। वो एक बेनाम मोहब्बत शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गई।
सपने देखने से पहले ही जल गए। मोहब्बत की जगह एक बेकरार नफरत उसकी रग रग में उतर रही थी। फराना फंदी, मैं तुम्हें तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर दूंगी, जैसे मेरे ख्वाब रेजा रेजा हो चुके हैं। वो पागलों के अंदाज में भागती हुई पेंटिंग रूम में आई। बड़ी सारी दीवार गिर अलमारी का लॉक खोला। अंदर उसका पोर्ट्रेट कपड़े से ढांपा हुआ पड़ा था। उसने कपड़ा खींच लिया। वो इसके सामने बहुत ही पुरगरूर अंदाज में खड़ा था। जहर में डूबी हुई मुस्कुराहट उसके लबों पर तैर गई। तुम खास नहीं, तुम तो आम मर्दों से भी बदतर निकले। कैसे धड़ल्ले से स्क्रीन पर फन के नाम पर बेहयाई का खेल खेल रहे थे। मुझे तुम्हारे हसीन खदोखाल के पीछे छुपी हुई बदसूरती से नफरत है। मैं तुम्हें नीस्तो नाबूद कर दूंगी। उसने उसका जहाजी साइज पोर्ट्रेट पकड़कर नोचना चाहा, तो जैसे एक अंदरूनी ताकत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ये उसका एक फनी शाहकार था जिसको उसने इंतहाई और क्रेजी और मेहनत से बनाया था। वो अपने ही हाथों से कैसे तबाह बर्बाद कर दे। उसने मुट्ठियाँ बींच लीं। जवेरी और शहरोज की मंगनी तय कर दी गई थी। किसी होटल की बजाय फंक्शन मोइज़वाला के वसी और रीज लॉन में अरेंज किया गया था। लॉन के तूलों और अर्ज को चकाचौंध करने वाली रोशनियों ने नहायत खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। खुशबुओं का एक सैलाब था जो मोइज़वाला में उतरा हुआ था। खुशबू बिखेरते खूबसूरत वजूद दूध या रोशनी में नहाकर एक तिलिस्मी माहौल पैदा कर रहे थे। इन झिलमिलाते चेहरों के दरमियान उदास चेहरा लिए अबीरा आम दिनों से ज़्यादा दिलकश लग रही थी। उससे जवेरिया के पुरजोर रिसेप्शन पार्लर से तैयार होना पड़ा था। उसने कुछ नखियों से अपनी एक चंद कज़न्स को देखा जो मशहूर म्यूजिकल ग्रुप के सिंगर से खुशगप्पियों में मसरूफ़ थी। इस बड़ी महफिल में वो खुद को बहुत तन्हा बहुत अकेला महसूस कर रही थी। भाई कहाँ गुम हो, चलो उठो। उसे खींचते हुए लड़कियों के ग्रुप के पास आई। उसने नज़र उठाई तो उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। लड़कियों में घिरा वही उसका शाहकार मॉडल, वही फाराना पंदी, वही अजनबी राजा इंदर बना बारी बारी सब लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा था। उसने हंसते हुए माहा को ऑटोग्राफ बुक थमाई और फिर किसी दूसरी लड़की को ऑटोग्राफ देने लगा। उसने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जी आप, उसने मुस्कुराते हुए अपने बॉल पॉइंट वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो समझ रहा था कि शायद वो भी ऑटोग्राफ की आस में यहाँ खड़ी है। माहा अबीरा के दाएं तरफ आकर खड़ी हो गई। मेरे पास नहीं है, वो गड़बड़ा सी गई। तो क्या हुआ, हाथ तो है, आप ऐसा करें इसके हाथ पर ऑटोग्राफ दे दें। माहा ने शोखी से आंखें घुमाते हुए अपना मशवरा पेश किया। ओके, उससे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ थामना चाहा। जैसे ही उसका हाथ उसके हाथ से टकराया वो जैसे होश में आ गई। एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसके अंदाज पर वो दंग सा रह गया। हाउ डे यू, हाउ, वो तकरीबन चीख ही तो पड़ी। आपको किससे कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दें और वो भी हाथ पर? आपने मुझे समझा क्या है, मैं उन गिरी पड़ी लड़कियों में से नहीं जो आप जैसे थर्ड क्लास हीरो की नज़रें इल्तफात के लिए तड़पती हैं, समझे आप? उसकी बुलंद आवाज़ पर इर्द गिर्द खड़े लोग एक दायरे की शक्ल में खड़े हो गए और आलमी तहयर में दोनों को तकने लगे। फरार अफंदी के लिए ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा वाक़ हुआ था। वो तो सिकंदर आज़म था, ना जाने कितने दिलों को फतह कर चुका था। उसके लिए यही कहा गया था, वो आया, उससे देखा और फतह कर ली। ये सब मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, मगर आपका रिएक्शन बहुत एबनॉर्मल था। धीमा धीमा भारी मकबूर सा लहजा, उसकी तरह उसकी आवाज़ भी बेतहाशा खूबसूरत थी। उसकी बात पर अबीरा ने बदक कर उसे देखा। अगर मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह आप पर निसार होती तब मेरा रवैया आपको नॉर्मल दिखता है ना, वो कहते हुए दो कदम पीछे हटी। आप हैं क्या, मुझसे पूछें, वो चिल्लाई। बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। वो हक्का बक्का उसके चेहरे को बेतरह तक रहा था। आंखें थी के ठहर सी गई थी। अपनी खूबसूरती और एक्शन को कैश करा के सस्ती शोहरत हासिल करने वाले निचली सतह के घटिया इंसान, सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत के नाम पर बेहयाई का ड्रामा दिखाकर दौलत समेटने वाले एक मुर्दा ज़मीर शख्स हद है। फहाशी का ड्रामा भी दिखाते हैं और दौलत भी समेटते हैं। माशरे में आपके मुँह पर लोग वाह वाह और पीठ पीछे लानते भेजते हैं। आप दीनों ईमान बेचकर नाजायज़ कमाई कमाते हैं और उस पर इतराते हैं कि जी हम बहुत ऊंचे दर्जे पर के परफॉर्मर हैं। वो एक ही सांस में रुके बगैर बोलती जा रही थी। इस कदर नफ़रत, इस कदर बदगुमानी, उसका तसव्वुर भी थर्रा गया था। वो मेकअप ज़्यादा मस्तूई रंगों से सजे हुए चेहरों में उसके शफाफ मासूम चेहरे को देखकर चौंक सा गया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था। उसके अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई, वो भी उस आस से दूसरों की तरह ऑटोग्राफ मांगे। उसे मुस्कुरा कर देखे, मगर ये क्या, एक दुनिया ने जिसको चाहा जो सांप सी लड़की ने उसे धुतकार कर रख दिया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे क्या बोले। अबीरा तुम होश में तो हो, महा ने उसे पकड़कर झंझोड़ डाला।
सब लोग हैरतजदा से अबीरा को देख रहे थे। कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। मुल्क के मशहूर सियासतदान के बेटे की मंगनी थी। सहाफ़ी तस्वीरें ले रहे थे। उन्हें कल के अखबारात के लिए एक चटखारेदार खबर मिल चुकी थी। सुने, वो धीमे लहजे में कहते हुए उसके करीब आया। इतना बंद संवर कर आप नामहरमों के सामने आते ही क्यों है कि खामखा हाथ थामने को दिल चाहे। एक लम्हे को उससे अबीरा का नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। अचानक ही अबीरा का वही हाथ उठा और फिजा एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठी। तौहीन के शदीद एहसास से फाराना फंदी का चेहरा सुर्ख हो गया। यह जवाब था हाथ पकड़ने का। जो ऐसी हरकत करेगा उसका मुंह ऐसे ही लाल करूंगी। वो मजबूती से तनकर खड़ी हो गई। हाथ मेरा भी उठ सकता है, मगर लेडीज़ पर हाथ उठाना किसी मर्द की शान नहीं। मगर दोबारा ऐसी हरकत ना करना। शोर गोगा सुनकर सब हाथ भी वहीं पहुंच गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है अबीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद हर के सही थी। घर आए मेहमान की अच्छी इज्जत बनाई है तुमने। फारहान तुम्हारे डैड के दहरी ना दोस्त का बेटा है और इंडस्ट्री का नावर हीरो। तुमने अच्छा नहीं किया, वो तासिब से कह रही थी। वो तेज़ी से फारहान अपने की तरफ बढ़ी। आंटी मुझे इजाज़त है, मेरा ख्याल है कि इतनी इज्जत अफजाई काफ़ी है। क्या कह रहे हो बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत बहुत माजरत खा हूँ, प्लीज़, वो लजाजत से बोली। अरे आंटी नहीं, आप क्यों माजरत कर रही हैं, शुक्र करें मम्मी अभी नहीं पहुँची, वरना वो मेरी इंसल्ट बर्दाश्त ना कर सकती। और एक हंगामा खड़ा हो जाता। सब हाथ उसे देख कर रह गई। हेलो माई सन, उसे मुड़ कर देखा। ब्राउन कलर की चाइना सिल्क की साड़ी में मलबूस मम्मी के साथ उसके बाबा इफ्तखार महमूद अफंदी भी खड़े थे। इस लड़की को जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी इंसल्ट करने की, मुझे माहा ने बताया तो मेरे तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। ओ मम्मी, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, आप दिल पर मत लें, वो रसान से बोला। तो तुम उसका हाथ थामना चाह रहे थे, क्यों, क्या वो कोई आसमानी हूर थी, वो हैरत से पूछने लगी। तो वो उनके अंदाज पर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं सिर्फ ऑटोग्राफ देना चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बजरिया ऑटोग्राफ उस पर कुछ कमेंट करूं। अच्छा, फहमिदा के अब्रू तन गए। इस कदर इंसल्ट के बाद तो तुम्हारी सारी आरजुएं दम तोड़ गई होंगी। मम्मी इतना तंज तो ना करें, वो मासूमियत से बोला। क्यों ना करें यार, सोचो तो, एक लड़की से मिट्टी पलीद करवा ली। इफ्तखार महमूदा फंदी भी कम हैरत ज़दाना थे। यू डोंट नो, उस लड़की के साथ कुछ साइकी प्रॉब्लम है, उसने अपनी तरफ से बहाना गढ़ा। अच्छा कौन है वो लड़की, दिखाओ तो, वो दोनों मुतजस्स थे। उनके कहने पर वो इधर उधर नजरें घुमाने लगा। वो उनकी टेबल के एन पीछे थी। वो तन्हा बेजार सा मुंह बनाए हुए थी बैठी थी। ये है, फारहान ने सरगोशी की। वाह भाई वाह, ये तो कोई हूर ही लग रही है, इफ्तखार रह न सके बोल उठे। इस उम्र में भी बाज ना आना तुम, फहमिदा ने जलकर उन्हें घूरा। क्या करूँ, ठहरा जो सदा का हुसन परस्त, वो छेड़ने के मूड में आ रहे थे। इस वक्त नहीं प्लीज़, फारहान ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि आसार से लग रहा था कि वो दोनों शुरू होने वाले हैं। ये ड्रामा वो अक्सर बेशतर देखता रहता था। उन दोनों की लव मैरिज थी और फरहान उनका इकलौता चश्मा चराग। अचानक लॉन की रोशनियां गुल हो गई और स्टेज की रोशनियां मुतहर्रक हो गई। मशहूर बैंड स्टेज पर जलवागर हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने मौसीकी छेड़ दी तो गया माहौल में एक सरमस्ती छा गई। तालियों की गूंज में सिंगल्स ने गीत शुरू किया। यह के बाद दीगरे कई मशहूर गीत पेश किए गए। ये रहा तुम्हारा कारनामा, जवेरिया ने अखबार उसके सामने फेंका और उसने फ़ौरन उठा लिया। फंक्शन के दूल्हा दुल्हन की तस्वीरों के अलावा उसकी और फरहान की तस्वीर भी लगाई गई थी। हेडलाइन बड़ी मानी खेज थी। मुल्क के मशहूर सुपरस्टार फरहान अफंदी की एक हसीन लड़की की हाथ इज्जत अफजाई, जेली हेडलाइन थी। हाथ थामने पर जोरदार तमाचा। फरहान अफंदी गालिबन उसे अपनी फिल्म की ही हीरोइन समझे, मगर लड़की हिटलर की जानशीन निकली। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। उसके नीचे पूरी तफसील थी, वो पढ़कर हंसने लगी। इसमें बोला, हंसने वाली क्या बात है, जवेरिया को तो ताव आ गया। वो तो लड़का है, पहले ही मशहूर है, मगर तुम उसके साथ स्कैंडलाइज हुई हो, तुम्हें अपनी रसवाई नहीं लग रही, वो उसे मामले की संगीनी का एहसास दिला रही थी। अच्छा, उसने सटपटा कर कहा, तुम्हारा मतलब है मुझे रिश्तों का काल पड़ जाएगा और मैं कवारी मर जाऊँगी, वो पुरमजा अंदाज में बोली। तो जवेरिया ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें क्यों फिक्र है, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी जो हूँ, जवेरिया ने उसे नए रिश्ते का एहसास दिलाया। बेचारी तुम, तुम्हारे नसीब भी फूटने वाले हैं, मेरा भाई एक भंवरा सिफ्त इंसान है, उसने तासुब से कहा। मैं तुम्हारी तरह दकियानुसी नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, मेरी सोच और है, शोहर को थोड़ी सी आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए। उसके ख्याल ही निराले थे। अबीरा ने हैरत से उसे देखा, वो अजीब लड़की थी। उसके सबका मंगेतर ने बगैर किसी वजह के मंगनी तोड़ डाली और उसके
चेहरे पर किसी किस्म के दुख का शाइबा तक ना था। मंगनी टूटने पर मोईज़ हुसैन अलवी ने जवेरिया के लिए शहरोज़ का रिश्ता पेश कर दिया, जो फ़ौरन कबूल कर लिया गया। बहरहाल डोंट वरी, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं, उसने इत्तला देने वाले अंदाज में कहा। इसका मतलब है फ़रहान अफंदी भी गवारा मरेगा, जवेरिया ने कहा तो उसे जैसे करंट लगा। तुम्हारी सोच भी कितनी घटिया है, सो मच चीप, उदरश दहशे में बोली तो जवेरिया ढिटाई से हंसने लगी। वो रात को बेड पर करवटें बदल रही थी, उस वक्त नींद की परी उस पर मेहरबान ना थी। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, 11:40 हो रहे थे, जबकि वो 11 बजे तक सो जाती थी। अचानक पास पड़ा हुआ मोबाइल बज उठा, उसने बटन ऑन किया। एक भारी और दिलकश आवाज़ उसके समातों से टकराई। हाय, क्या मेरी तरह आपको भी नींद नहीं आ रही? नींद आँखों की यूं ना पहले उड़ी थी, उड़ गई कल रात पहली बार, शोखियों से भरी गुड़गुड़ाहट। हुई स्पीकिंग, वो क्रफ लहजे में बोली। बूझो तो जाने, अंदाज में बेतुकल्फी थी। मुझे पहेलियाँ बूझनी नहीं आती, वो जुज्ब हो गई। पहेली तो आप खुद हैं, सरता पा को ये इसरार दिखाई देती हैं, दिल चाहता है इस इसरार की खोज लगाओ। मकबूर सा सरगोशियाँ करता हुआ लहजा, वो परेशान सी हो गई। कौन है आप? वो तेज़ आवाज़ में बोली। मैं जो कोई भी हूँ, बेइख्तियार हूँ, उसकी आवाज़ में गुनगुनाहट सी महसूस हो रही थी। ओह, वो गहरा सांस लेकर बोली, फरहान अफंदी। इतनी घटिया गुफ्तगु आप ही कर सकते हैं, उसने दांत पीसे। जवाब में उसके हंसने की आवाज़ आई। आप क्या चाहते हैं? उसे छोकर बोली, तुम्हें और सिर्फ तुम्हें। बड़ा घटिया शेर है, यकीनन आपका होगा, वो तिलमिलाई। हाँ हाँ, अभी अभी नाजिल हुआ है, अभी अभी तुम्हें सुनाया, देख लो तुम्हारी मोहब्बत ने शायर बना दिया। मोहब्बत, इस लफ्ज़ को अपने लबों से अदा करके इस मुकद्दस लफ्ज़ की यूं तोहीन तो ना करें। बहुत सोच समझ कर उस लफ्ज़ को अदा किया है, मेरी कैफियत कुछ ऐसी ही है कि उसे मोहब्बत ही कहा जा सकता है। बकौल फरहत अब्बास शाह के, मोहब्बत इख्तियार से बाहर है, तुमसे मोहब्बत ना करना मेरे इख्तियार में नहीं। आपके ये फिल्मी डायलॉग्स मुझे मुतासर नहीं कर सकते, किसी और पर आजमाएं। तुम्हारे अल्फाज बहुत नाजेबा हैं, मेरे नज़दीक तो आप खुद बहुत नाजेबा हैं, वो चुड़ाने वाले अंदाज़ में बोली और मोबाइल रख दिया। मोबाइल दोबारा बजने लगा तो उसने ऑफ करके रख दिया। सुबह वो नाश्ते की टेबल पर अकेली थी, दिन के 12 बज रहे थे, बाकी सब नाश्ता कर चुके थे। उसने बदमजगी से बेड पर जैम लगाया और खाने लगी। अचानक ही इंटरकॉम की बेल होने लगी, उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। चौकीदार की आवाज़ उसके कानों से टकराई, मैडम आपके लिए TCS के ज़रिए कुछ तहफ़ कार्ड्स आए हैं, नज़ीरा को कहो मेरे बेडरूम में रखवा दे। वो नाश्ते से फारिग हुई तो मुलाजमा टेबल से बर्तन उठाने लगी। वो फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में पहुँची तो ताज़ा गुलाबों की महक ने उसका इस्तकबाल किया। ताज़ा गुलाबों के 3 अदद बुके, 1 अदद पैकिंग गिफ्ट और कुछ कार्ड्स बेड पर बिखरे हुए थे। सुर्ख रंग के सादा कागज़ और गोल्डन फीते से पैक किया हुआ गिफ्ट उसे हैरत में डाल गया। भला ये गिफ्ट मुझे कौन बेच सकता है? उसने जल्दी जल्दी पैकिंग खोली, अंदर से पॉइजन क्रिस्टन डायर का परफ्यूम बरामद हुआ। ये उसकी फेवरेट परफ्यूम थी, अंदर कुछ आशार दर्ज थे। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पर बिखर जाओ किसी दिन, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूँ, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन, मैं अपनी हर सांस उस रात को दे दूँ, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। अमजद इस्लाम अमजद के ये शेर अशार जितने बेहुदा आज महसूस हो रहे थे पहले कभी नहीं हुए थे। दूसरे कार्ड पर सफ़ेद रंगों से हर्फ जगमगा रहे थे, आई मिस यू। कार्ड के अंदर और भी खराफात दर्ज थी। इस शख्स की जरूरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी थी। एन उसी लम्हे फ़ोन की बेल बज उठी, यकीनन ये वही होगा। उसने झपट कर फ़ोन उठाया, पे से उसकी सहरंगेज़ और मखमूर आवाज़ सुनाई उभरी। कैसे लगे कार्ड्स और गिफ्ट? मैं जवाब का मुंतजर रहूँगा। इससे पहले वो कुछ कहती वो फ़ोन रख चुका था। कुछ लम्हे वो यूं ही साकित बैठी रही, फिर उसके वजूद में हरकत पैदा हुई। उसके अंदर कोई जुनून लावे की तरह पक रहा था। बूके से सारे गुलाब निकाल कर उसने पत्ती पत्ती करके बिखेर दिए। परफ्यूम की शीशी उठाकर दीवार पर दे मारी, जो खिरची खिरची होकर कारपेट पर बिखर गई। कार उठाकर वो तेज़ी से किचन में आई, दिया सिलाई जलाई और उन्हें नजर आतिश कर दिया, यहाँ तक कि सारे कार्ड्स राख में बदल गए। फिर उसने एक प्लेट में सारी राख इकट्ठी की और अपने कमरे में ले आई। अपने बेड की साइड टेबल के दराज से एक दरमियाने साइज़ का सफ़ेद लिफाफा निकाल लिया और राख उसमें भर ली। लिफाफे को एहतियात से बंद किया। फरहान अफंदी जवेरिया का दोस्त था, उसने जवेरिया से उसका एड्रेस देकर पोस्ट कर दिया। उसके ख्याल में उसके बेहुदा कार्ड्स का जवाब इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था।
वो सरसब्ज लॉन में खड़ी कैनवस पर आयल कलर से सूरज के डूबने का मंजर पेंट कर रही थी। ब्रश हाथ में पकड़े वो पेंटिंग को फाइनल टचेस दे रही थी। बादे सबा के झोंके उसके रेशम बालों को उड़ा रहे थे। वो बार बार हाथ से उन्हें पीछे कर रही थी। हाय सिस, क्या हो रहा है? पास से गुजरते हुए शहरोज ने हाथ हिलाकर कहा। पेंटिंग, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुस्कुराते हुए कीचैन हिलाता हुआ अंदर चला गया। पास पड़े हुए टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल गुनगुना उठा। उसने फ़ौरन उठा लिया। अबीरा इल्मी, तुम खुद को क्या समझती हो? बहुत अरफा और आला इंसान हो? हरगिज़ नहीं, तुम इंतहाई खुद गर्ज़ और बेहिस लड़की हो जिसे अपने सिवा किसी के जज्बात और एहसास की कोई परवाह नहीं। जबेरिया की ज़ुबानी तुम्हारे अज खुद घड़े हुए 1% फ़लसफे का इल्म हुआ तो मेरा दिल कहका लगाने को चाहा। तुम्हारा नज़रिया तुम्हारी कम इल्मी और कम फहमी की बुनियाद पर, भला ये कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 99% मर्द आला किरदार से बेबहरा होते हैं और 1% मर्द बाकिरदार होते हैं। हम इंसानों के किरदार का तायुन करने वाले कौन होते हैं ये फैसला करना रब ताला का काम है कि कौन नेक है और कौन बद। मेरे भेजे हुए लव कार्ड्स की राख भेजकर तुमने अपनी जिस नफ़रत का इजहार किया है उसने मेरी मोहब्बत को कम नहीं किया बल्कि और शदीद किया है। अब तुम्हारी नफ़रत और मेरी मोहब्बत की आपस में एक खुलम खुला जंग है और ये तो तुम जानती हो कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। हमेशा जीतने वाले सिकंदर आज़म, अब तुम्हारे हारने की बारी है। मेरा दिल वो सरजमी है जिसे फ़तह करने की हसरत दिल में लिए तुम इस दुनिया से चले जाओगे। वो खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए अपनी चीज़ें समेटने लगी। फरहान अफंदी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। उनकी मोहब्बत की वाहिद निशानी था इफ्तखार महमूद अफंदी, फहमीदा जबीन और फरजाद खां कॉलेज के ज़माने में क्लास फेलो थे। बाद में वो दोस्ती के मजबूत बंधन में बनते चले गए। कॉलेज में उनका ग्रुप थ्री स्टार्स के नाम से मशहूर था। वो तीनों प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे मगर तीनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं बन सका। FSC के बाद तीनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। फहमीदा ने आर्ट्स लेकर उर्दू अदब में मास्टर्स करने का फ़ैसला किया। इफ्तखार ने फार्मेसी में दाखिला ले लिया जबकि फरजाद ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने का इरादा कर लिया। वो तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उनकी दोस्ती में सारा बराबर फ़र्क नहीं आया। फहमीदा और इफ्तखार की दोस्ती कब मोहब्बत के रूप में ढली उन्हें खबर ना रही। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब उनके वालिदैन ने उनकी शादी का सोचा तो दोनों ने एक दूसरे को के हक में फ़ैसला दे दिया। उनकी मोहब्बत की राह में कोई जालिम समाज जहर घोलने नहीं आया और यूं बगैर किसी हलचल और हंगामे के दोनों रिश्ते अज़वाज में बंध गए। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनकी मोहब्बत के खूबसूरत मिलाप पर किसी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये दिल फरजाद का था। उसकी खामोश मोहब्बत किसी खुशगवार अंजाम पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई थी। फहमीदा पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरार थी। इफ्तखार महमूद अफंदी मुल्क की मशहूर मेडिसिन कंपनी में आला अहदे पर फाइज थे जबकि फरजाद खान मुल्क के दूल और उसमें एक तालीम याफ्ता और सुलझे हुए सियासतदान का इमेज बना चुका था। वो पहली बार कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। तीनों ही अपनी अपनी दुनियाओं में मसरूफ़ हो चुके थे मगर अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी वक्त के ख़जाने से कुछ लम्हे चुरा लिए थे ताकि ये लम्हे एक दूसरे के साथ गुजार सके और माजी के सुहाने किस्से अज़सर नो ताज़ा कर सके। चंद सालों से नहायत बाकायदगी से वो हर वीकेंड पर इकट्ठे होते थे। ये भी एक ऐसा ही वीकेंड था। इफ्तखार महमूद अफंदी का सरसब्ज लॉन उस वक्त हंसी की जयकारों से गूंज रहा था। सब्ज मखमली लॉन के बीचों बीच सफ़ेद रोगन वाली कुर्सियाँ और मेज़ बहुत जाजिब नज़र महसूस हो रहे थे। मेज़ खाने पीने की मुख्तलिफ लवाजमात से सजा हुआ था। ये शाम की चाय का वक्त था। ढलते सूरज की शुआओं ने फरहान अफंदी के चेहरे को अजीब सी रोशनी बख्श दी थी। उसके चेहरे पर उदासी के रंग रक्सा थे। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। कहाँ? सबकी सवालिया नजरें उस पर उठी। मैं आराम करना चाहता हूँ, वो कहते हुए तेज़ी से उनकी निगाहों से ओझल हो गया। ज़रा देखो तो इसका हाल, उसका सता हुआ चेहरा देखो। उसको देखकर मैं कुटती रहती हूँ और उस लम्हे को कोसती हूँ जब ये उस चुड़ैल से मिला था। फहमीदा की आंखों में आंसू चमकने लगे। उन्हें यूं अश्कबार देखकर फरजाद का दिल दूर किसी अथाह गहराइयों में डूब रहा था। इफ्तखार महमूद अफंदी का चेहरा भी परेशानी के हिसार में था। आज का वीकेंड कोई बहुत ही क्लासिक किस्म की ट्रेजिक मूवी साबित हुआ है और फहमी मलका जज्बात का रोल अदा करने में 100% कामयाब रही है। इफ्तखार ने हल्के हल्के अंदाज में माहौल का तनाव कम करने की अपनी सी कोशिश की मगर बाकी दोनों के चेहरे मुस्कुराहट से आ रही रहे।
तुम प्लीज़ अपना राग मत अलापो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। फहमीदा ने कड़वा कसीला मुंह बनाया और फरजाद की तरफ मतवज्जा हो गई। तुम्हें मालूम होना चाहिए फरजाद फरहान मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सबसे कीमती असासा, मेरी तमाम तर उमंगों का मरकज। मैंने इंतहाई फूंक फूंक कर उसकी शख्सियत के खदोखाल को उभारा है। मैंने उसे मुकम्मल एतमाद शख्सियत में ढालने के लिए तमाम तर कोशिशों को आजमाया है और मैं समझ रही थी कि मैं इसमें कामयाब रही हूँ, मगर आज उस छटांक भर लड़की ने मेरी तमाम तर मेहनत पर पानी फेर दिया और एक ही हमले में उसकी मजबूत तरीन शख्सियत की बुनियादों को ज़मीन बोस कर दिया। उससे यूँ उदास और नाकाम देखकर मेरे अंदर कोई नौहाजन होने लगता है और मैं घबरा जाती हूँ कि अगर उसे उसकी मोहब्बत ना मिल सकी तो वो कैसे जी सकेगा। काश मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं पलक झपकते ही उसकी ख्वाहिश पूरी कर देती। वो सांस लिए बगैर बोलती जा रही थी। डोंट वरी फहमी, मैं बात करता हूँ फारी से, वो फैसला कुन अंदाज में उठ खड़े हुए। कुछ लम्हों बाद वो फारान के रूबरू थे। फारान बेड पर नींद दराज था, फरजाद भी उसके पास ही बैठ गए। उसकी आंखें ढेरों सवाल लिए फरजाद की तरफ उठी। तुम्हारी उम्र कितनी है? फरजाद ने अचानक नज़र उठाकर उसे देखा तो वह सवाल पे हैरान रह गया। ना जाने फरजाद अंकल उससे क्या उगलवाना चाह रहे थे। 24 साल, उसने ना समझते हुए भी जवाब दे दिया। 24 साल पहले तुम इस दुनिया में आए और तब से अब तक तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने हर पल हर लम्हा तुम्हें कितना चाहा है। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को बेइंतहा चाहती है, मगर फहमी के प्यार में तो एक अजीब पागलपन था। हर पल वो डरती थी कि तुम्हें खो ना दे। वो जानती थी कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। मुझे याद है कि एक सैटरडे मैं तुम्हारी तरफ आया हुआ था, तुम्हें 102 बुखार था और फहमी की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। बिखरे बाल, मतवर्रम चेहरा, सूजी आंखें, लूटा पटा सा वजूद, मैं तो खुद उसे देख कर रो पड़ा था। वो सारी रात जागती रही, तुम्हारे माथे पर पट्टियाँ रखती रही और मसल्ला बिछा कर दुआएं करती रही, और जब तक तुम्हारा बुखार कम नहीं हुआ उसने पलक नहीं छपकी। फरजाद कहते कहते रुक कर उसे देखने लगे। रुक क्यों गए, बोलिए ना, मैं आपके मुँह से ये सब सुनना अच्छा लग रहा है, हालांकि मैं अपनी माँ की सब शिद्दतों से वाकिफ हूँ। उस लड़की से तुम्हारी शनासाई को 24 दिन भी ना गुजरे होंगे और तुमने 24 साल पुरानी मोहब्बत को 24 दिन की मोहब्बत के लिए पसे पुश डाल दिया। फरजाद के अल्फाज की संगीनी उसके दिल को चरखा लगा गई। उसने जख्म निगाहों से फरजाद को देखा। मैं मम्मी को दुख नहीं देना चाहता, सो कोशिश करूँगा खुद को खुश जाहिर करूँ, जबकि खुश रहना मेरे इख्तियार में नहीं। मोहब्बत के पहले मरहले पर इंसान इख्तियार ही तो खो देता है। मैंने खुद को बेबसकी की इंतहा पर पाया है। फरहान के खोए खोए से अल्फाज तलवार की नंगी दा बनकर फरजाद के रगों को काटने लगे। वो भी तो उन्हीं तजर्बात से गुजरे हुए थे। वो न जाने क्यों मुझसे इस कदर गुरेजा है। उसके लहजे में मुझे अपने लिए नफरत ही नफरत महसूस हुई है। वो मुझे तीसरे दर्जे का घटिया इंसान समझती है जो सिल्वर स्क्रीन पर बेहयाई का ड्रामा रचाकर सस्ती शोहरत हासिल करता है। उसके नज़दीक एक अदाकार का इमेज बहुत घटिया है। उसके चेहरे पर नारसाई का धोखा वायदा था। तुम उसके लिए फिल्म लाइन छोड़ सकते हो? फिल्म लाइन तो क्या, मैं दुनिया त्याग सकता हूँ। वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं फिल्म दुनिया को खैर बात कहने का फैसला पहले ही कर चुका हूँ। बेख्तियार के हिट हो जाने के बाद मेरे पास इस वक्त 5 फिल्में हैं जिन्हें मुकम्मल करवाने के बाद मेरा ताल्लुक इस मसनू रोशनियों से जगमगाती नगरी से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं तुम्हारी बातों की गहराई तक पहुँच रहा हूँ फारान, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यू शुड नॉट वरी। बहरहाल तुम उसे यकीन दिलाओ कि अगर उसे तुम्हारा फिल्मों में काम करना पसंद नहीं तो तुम उसके लिए अपना शानदार फिल्मी करियर दांव पर लगा सकते हो, ताकि उसे एहसास हो कि वह तुम्हारे लिए किस कदर अहम है। वो उसे किसी बच्चे की तरह समझा रहे थे, वो उसके लिए किस कदर फिक्रमंद थे। फरहान मुस्कुरा उठा। मैं कोशिश करूँगा अंकल, मैं अपने चेहरे से गम का ये लेबल उतार फेंकूँ। आपकी बातों से मेरे अंदर नया वलवला नया जज्बा पैदा हुआ है। यू आर अ नाइस गाय, आई एम ग्रेटफुल टू यू। फजाद ने मुतमइन होकर उसकी पुश्त पर थपकी दी और वह दोनों मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। ना तुमको होश रहे ना मुझको होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। धीमा सा पुरफसून लहजा और उस पर मोहब्बत के खजाने लुटाती हुई मखमूर से दिलकश आवाज़ एक लम्हे को तो उसका नाजुक दिल टोल कर रह गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने खुद पे काबू पा लिया और जारहाना तेवरों से अपने सामने मौजूद 6 फुट से भी ऊंचे लंबे वजूद को देखा जो मुंतजर था कि वो भी कुछ कहे। कोई बात तो खुशबू सी, कोई लहजा शबनम सा। इस तरह के घटिया शेर पढ़ पढ़ कर अगर आप ये समझते हैं कि मेरा दिल जीत लेंगे तो ये आपकी भूल है।
उसने तीखे लहजे में कहा और रुख दूसरी तरफ फेली और जवेरिया को कोसने लगी, जिसने बहाने से उससे शाम की चाय पर इनवाइट कर लिया और फरहाना फंदी को भी उसकी आमद की इतला कर दी। तभी वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ और उसका सर खाने लगा। ये क्या आप हर वक्त घटिया घटिया की गर्दान करती रहती हैं? मुझ में आपने कौन सा घटियापन देख लिया है मोहतरमा, आप मुझे बता सकती हैं? ना चाहते हुए भी वो तलख सा हो गया। आप सरतापा घटिया हैं। आप हैं क्या? एक फिल्मी अदाकार जो हर वक्त रोमांस बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह तन से बाज ना रह सकी और ना ही अपनी मुस्कुराहट को रोक सकी। फारहान ने शिकायती नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। मेरे ख्याल नहीं कि तुम इस कदर कज फहम हो। खैर, सीधे साधे अल्फाज में सुन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ आया समझ में? उसने मुस्कुराती हुई सवालिया निगाहों से उसे देखा तो उसने दोबारा चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ना जाने क्या था इन निगाहों में, उसका जी चाह कह दे निगाहें हटा लो। अजीब जकड़ने वाली निगाहें थी। मुझसे शादी करोगी? मखमूर सा भराया हुआ लहजा जो हर सूरत इकरार करवाना चाह रहा था, वो खुद पर जब्त करके बोली। मैं तुम्हारी खातिर फिल्म नगरी छोड़ दूंगा, फिल्मी अदाकार का लेबल उतार फेंकूंगा जिससे तुम्हें नफरत है। जज्बात की शिद्दत का गमास, चट्टानों सा पुर अज़्म लहजा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रहोगे तुम वही फिल्मी अदाकार और माजी में फिल्माए हुए रोमांटिक फिल्मी सीन मेरी आंखों के सामने बार बार आएंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी में तलातुम बरपा हो जाएगा। तुम्हारा शुमार फिर भी 99% मर्दों में ही होगा। तुम अगर 1% में से होते तो कभी भी फिल्मी दुनिया का रुख ना करते। वो भी ज़िद की पक्की थी, बदगुमानी की इंतहा थी। वो उसके अल्फाज पर दम बखुद रह गया। तुम्हारी मंतक ही निराली है, क्या ये ज़रूरी है कि फिल्मी अदाकार के करेक्टर में कीड़े ही पड़े हों? वो बाकिरदार भी हो सकता है। तुम मेरे बारे में पूछ सकती हो, छान पटक कर सकती हो। मेरी ज़िंदगी में दूसरे फिल्मी अदाकारों की तरह शराब और औरत का दूर दूर तक कोई दखल नहीं। उसके अल्फाज में सच्चाई थी, मगर वो बेदर्दी से हंस पड़ी। मुझे क्या पड़ी है छानबीन करने की, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती, वो हटीले लहजे में बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने वसी और ईज ड्राइंग रूम में कदम रखा, जिसकी तज़ीन और आरइश नहायत दीदा ज़ेब अंदाज में की गई थी। ड्राइंग रूम से बाहर हंसते बोलने की आवाज़ें आ रही थी। उसने ब्राउन कलर के नरम दबीज कारपेट पर कदम रखा तो उसे अपनी वालदा, वालिद, फहमीदा फंदी और इफ्तखार महमूदा फंदी के हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आए। लम्हा भर को तो वो डगमगा कर रह गई कि जो वो करने जा रही है उससे धनक रंगों से सजी महफिल की चमक दमक मान पड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मगरबी अंदाज की हाय हेलो के बजाय उसने उन्हें अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, दोनों ने बावाज़ बुलंद वाले हाना अंदाज में जवाब दिया। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? फहमीदा फंदी ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया तो वो रस्में से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए साइड वाले सोफे पर बैठ गई। बुश ग्रीन कलर के ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस, बगैर मेकअप के सादा से हुलिये में वो इंतहाई हसीन लग रही थी। कुछ तो है इसमें कि मेरा बेटा मर मिटा है, वो सोचते हुए मुस्कुराई। अबीरा के हुसन की सबसे ख़ास बात उसकी साफ शफाफ बेदाग जिल्द थी, जिसकी चमक चांद को भी शर्माती है। उसके सभी रुखसारों पर गुलाबों की सी ताजगी थी। उसका चेहरा हर किस्म की आलाइश और बनावट से पाक था। वो मतवातर उसे देख रही थी, वो भी उसकी नज़रों को महसूस कर रही थी। आंटी, नेवर माइंड, में पूछ सकती हूँ कि आपके आने का क्या मकसद है? उसका लहजा सीधा साधा और सपाट सा था। सबाहत और मोईज़ हुसैन अलवी ने चौंक कर अबीरा की तरफ देखा। मोईज़ हुसैन अलवी के माथे पर नागवारी की शिकने उभर आई थी। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ, फहमीदा अफंदी के लहजे में तफाखुर झलक रहा था। मुझे हैरत है, फरहाना फंदी ने आपको क्यों भेजा, जबकि मैं उससे पेशदर ही उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर चुकी हूँ। फहमी दौरा इफ्तखार महमूदा फंदी हैरान थे, जबकि उसके वालिद और वालदा के चेहरों पर बारह बज चुके थे। उन्हें अपनी बेटी का अंदाज़े गुफ्तगु हरगिज़ नहीं भाया था। अबीरा, तुम्हें मेरे बेटे में क्या ख़राबी नज़र आ रही है? उसके तो इस कदर प्रपोज़ल आए हुए हैं कि मैं उंगलियों पर गिन नहीं सकती, और तुम हो के बगैर सोचे समझे उसे रिजेक्ट कर रही हो। तुम नहीं जानती, तुम सरासर खसारे का सौदा कर रही हो। क्या कमी है मेरे फरहान में? क्या वो तालीम याफ्ता नहीं, खूबसूरत नहीं, आला हसब व नसब नहीं रखता, दौलतमंद नहीं? क्या कमी है उसमें? सूरत की तरह वो सीरत में भी एकता है। फिल्म लाइन में जाने के बावजूद भी किरदार के लिहाज से उसकी रेपुटेशन बहुत साफ़ सुथरी है। शराब वो नहीं पीता, बाजारी औरतों के पीछे वो नहीं भागता, उसका कोई फिल्म स्कैंडल कभी अखबार की जीनत नहीं बना। इन तमाम खूबियों के बावजूद भी तुम इनकार कर रही हो, मुझे सख्त हैरत है। मेरा दिल तुम्हारी अकल पर मातम करने को चाह रहा है। लेकिन है तो वो एक फिल्मी अदाकार, हमारे माशरे में एक फिल्मी अदाकार की हैसियत और वैल्यू है ही क्या? पब्लिक में जाता है तो उसे सारा आंखों पर बिठाया जाता है, मगर उसे वो इज्जत और तकरीम नहीं दी जाती जिसका हकदार माशरे का आम फर्द होता है। मैं एक फिल्मी अदाकार की बीवी नहीं कहलाना चाहती, वो एक इंच भी अपने मौकफ से हटने को तैयार नहीं थी।
मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, दैट्स ऑल। ये कहकर वो रुकी नहीं और ना ही उसने अपने वालदैन के फक होते चेहरों को देखा और ना ही फारहान के वालदैन के खफा ज़दा चेहरों पर नज़र डालना पसंद की। उनके जाने के बाद मुईज़ वाला में क़यामत बर्पा हो गई। मुईज़ हुसैन, अलवी, शहरियार, शहरोज़ और समरोज़, फहमीदा सभी उससे खफा थे। मैं कैसे समझाऊँ आपको मम्मा जी, कैसे कैसे अपना दिल दिखाऊं, कैसे कैसे बताऊं कि वो मुझे मोहब्बत से नहीं अपना रहा, महज अपनी टूटी फूटी अना की तस्कीन चाहता है। मैंने सरे महफिल उसे थप्पड़ जो मारा था, वो उस थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहता है, अभी तो इनका बदला लेना चाहता है। वो बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे सबाह से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हो। माँ का नाजुक दिल जैसे किरची किरची होने लगा। बेटा, मुझे तो बहसियत इंसान वो अच्छा लगा, मगर तुम शायद उसे मुझसे बेहतर जानती हो। तुम जो चाहोगी वही होगा, मैं मुईज़ को समझा लूँगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाऊँगी, बस अब चुप कर जाओ। सबाहत उसे खुद से लगाए चुप करा रही थी और उसके दिल के अंदर ढेरों सुकून उतर आया था। उसकी ग्रे शेवरलेट का इंजन गरर गरर की आवाज़ के साथ खामोश हुआ तो वह इंतहाई कोफ्त के आलम में गाड़ी से उतरी। ये एक मसरूफ़ शाहराह थी। गाड़ियों के अजदहाम, ट्रैफिक का शोरगुल और भांत भांत की आवाज़ें और ऊपर से गाड़ी की ख़राबी सब मिलकर उसे बेजार कर रहे थे। उसने तेज़ी से गाड़ी की डिग्गी खोली और चेक करने लगी कि क्या मसला है। अचानक उसकी पस्ती से कोई सख्त चीज़ टकराई। उसने मुड़कर देखा तो स्याह मास्क लगाए एक लंबा तड़ंगा शख्स उसके नज़दीक खड़ा था। दहशत और खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आती जाती गाड़ियों में से झांकते हुए लोग शायद उसे भी किसी एडवेंचर का ड्रामा या फिल्म का हिस्सा समझ रहे होंगे। सरेआम उसकी उस तरह की दीदा दलेरी का मुजाहरा कोई आसान काम नहीं था। चलो खिसको, जल्दी करो, सामने खड़ी सफ़ेद करोला में बैठ जाओ, देर की तो गोली तुम्हारी पसलियाँ तोड़ती हुई निकल जाएगी। वो बदहवासी के आलम में आगे बढ़ने लगी। सफ़ेद करोला का बैक डोर खुला इससे पहले कि वो खौफ से चीख पड़ती, एक सफ़ेद रुमाल उसकी नाक की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच के वो सर पकड़कर गिरती चली गई। किसी ने उसे तेज़ी से कार के अंदर खींच लिया और फिर उसका जहन तारीखियों में डूबता चला गया। उसे होश आया तो उसने खुद को ज़मीन पर लेटे पाया। उसकी आंखों के सामने अभी तक धुंध सी थी और कनपट्टियों से दर्द की टीसें उभर रही थी। वो उठकर बैठ गई, उसका सर चकरा रहा था। काफ़ी देर तक वो यूं ही सर थामे बैठी रही। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के सामने धुंध छटने लगी और उसकी आंखें देखने के काबिल हुई। उसने सर घुमाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ये एक खाली चकोर कमरा था जिस पर मैरून कारपेट बिछा हुआ था। कारपेट पर दो तीन तकिए थे, उसके अलावा पूरे कमरे में कोई चीज़ ना थी, कोई खिड़की ना थी। अलबत्ता उसके ऐन पीछे एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। उससे देखा सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थी, गोया ये किसी मकान या बंगले का तहखाना था और वो उस तहखाने में कैदी। उससे दिमाग पर जोर डाला। गुज़श्ता वाक़यात एक फिल्म की तरह उसके सामने गुजरने लगे। उसकी गाड़ी का ख़राब होना, उसकी पस्ती से गन टकराना, उसके मुंह पर रुमाल रखा जाना, एक एक करके तमाम तफसीलात उसे याद आ रही थी। उसे अगवा कर लिया गया है। वो उस नतीजे पे पहुंची तो उसकी सोचे तक थर्रा उठी। उसने घबरा कर अपने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। घड़ी 10 बजा रही थी जबकि उसे 4 बजे से 5 बजे के दौरान अगवा किया गया था। गोया उसे बेहोश हुए 5 घंटे हो गए थे। ओ माई गॉड, उसने फिर सर थाम लिया। उसका सर दुख रहा था मगर अंदर उभरने वाले शदीद तरीन गमो गुस्से ने उसके अंदर एक अजीब सी कुव्वत पैदा कर दी थी। अचानक सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला और बाहर से एक ट्रे सीढ़ियों पर रख दी गई। वो दौड़कर ऊपर गई मगर उस वक्त तक दरवाज़ा बंद हो गया था। मोईज़ वाला में उस वक्त क़यामत का समा था। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। कल शाम अबीरा को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया था और अभी तक उसका कुछ अता पता ना था। कल रात से मोईज़ वाला में मातम बरपा था। सबाहत मोईज़ अलवी ने पूरी रात आंखों में काटी। मोईज़ हुसैन अलवी को एक चुप सी लग गई थी, उसके अंदर कोई कराह रहा था। जवान बेटी को अगवा कर लिया गया था, दूसरों की बेटियों की इज्जत से खेलने वाले की आज अपनी इज्जत नीलाम हो रही थी। उनका स्याह नामा माल आज उन्हें आईना दिखा रहा था। शहरियार, शहरोज और शमरोज सर झुकाए गुमसुम से बैठे थे। सबको ज़मीर की अदालत में कोड़े लग रहे थे। हकीकत का आसिब ड्रावनी शक्लें बनाकर उन्हें डरा रहा था। सुबह के सारे अखबारात ने बड़े तमतराक से मोईज़ हुसैन अलवी की दुख्तर अजीज़ की अगवा की चटपटी खबर लगाई थी। उनके सारे रिश्तेदार मोईज़ वाला के टीवी लाउंज में जमा थे। गाहे बगाहे फ़ोन की घंटियां बज रही थी। लोग अफसोस कर रहे थे, रिश्तेदार दोस्त सारी फैमिली को दिलासा दे रहे थे, मगर उनकी
आतिफ़ल तसल्लियाँ उनके गम को कम नहीं कर सकती थी। सोच सोच के मेरे दिमाग की रगें फट रही हैं कि उसे कौन अगवा कर सकता है। अगर मेरा कोई सियासी हरीफ होता तो अब तक कोई ना कोई मुतालबा सामने आ जाता। अगर उसे तावान के लिए अगवा किया गया है तब भी अब तक कोई फ़ौन आ जाना चाहिए। वो जो कोई भी है हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। सबाहत ने ज़िंदगी में पहली बार उन्हें इतना दुखी और परेशान देखा था। सारी रात आंखों में कटी थी। अगले दिन का सूरज तलू हुआ तो अपने दामन में उनके लिए एक नई रोशनी समेटे हुए था। दोपहर 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो टीवी लाउंज में बैठे हुए सब लोग चौंक उठे। मोईज़ हुसैन अलवी ने बेताबी से रिसीवर उठा लिया और दूसरी तरफ की बात सुनने लगे और फिर फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? सबाहत लपक कर उनकी तरफ बढ़ी। अबीरा की आवाज़ सुनाई गई है और बाद में किसी ने 2.5 करोड़ तावान का मुतालबा किया है। कुछ देर बाद फ़ोन दोबारा आएगा। किसी मखसूस जगह पर अनलॉक्ड गाड़ी खड़ी होगी। उसके पीछे दरवाजे में रकम का ब्रीफ केस रखना है। जगह का नाम और गाड़ी का रंग और नंबर बाद में लिखवाएंगे, वो तफसील से बताते हुए सोफे पर बैठ गया और तवील सांस खारिज किया। डर, हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए ताकि मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा सके, शिमरोज ने मशवरा दिया। नहीं, हम पुलिस से मदद नहीं ले सकते, उन्होंने धमकी दी है। अगर हमने पुलिस को मुतला किया तो मुझे अपनी बेटी की मशकशुदा लाश देखने को मिलेगी, उन्होंने जर्जरी लेकर कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, 2.5 करोड़ की हैसियत ही क्या है भला मेरी बेटी के सामने, सबाहत ने हाथ उठाकर कहा। अबीरा हमें कहाँ मिलेगी, शहरोज ने परेशानी से पूछा। उनका कहना है वो खुद बखुद कल शाम तक पहुँच जाएगी। तावान कब तक पहुंचाना है, सबाहत ने सवाल किया। कल 11 बजे तक, मोईज़ हुसैन अलवी ने कहा तो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। अब कल तक इंतज़ार करना होगा, ना जाने ये वक्त कैसे कटेगा, सबाहत ने रोहांसी होकर सोचा। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देखा। यह शहर से बाहर एक वीरान सी जगह थी। उसके आसपास दरख्तों के झुंड के झुंड थे। मारे दहशत थे उसकी चीखें निकल गई। उसे याद आया कि उसने तहखाने में एक अजीब सी बू महसूस की थी। उसके बाद उसे कुछ होश ना रहा और अब वो खुद को एक तनहा इस वीराने में पा रही थी। उसके पाँव में जूते नहीं थे, वो यूं ही नंगे पाँव सामने की तरफ भागी। छोटे छोटे कंकर और कांटे उसके पाँव में उलझे, मगर वो सब उन सब से बेनियाज भागती जा रही थी। ये उस पर अल्लाह का खास करम था कि कुछ देर बाद ही उसे सड़क नज़र आने लगी। गालिबन ये शहर से बाहर जाने वाली सड़क थी। वो सड़क के किनारे पर खड़ी हाँपने लगी। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स चलती हुई नजर आई। शाम के साए फैल रहे थे और उसका नाजुक दिल धक धक कर रहा था। उसने हाथ हिलाया, गाड़ी उसके पास रुकी। फ्रंट सीट पर पुरवकार से मर्द और खातून नजर आए। उसने उन्हें अपनी सारी कथा सुना डाली। उन्होंने उसे खुशदिली से गाड़ी में बैठने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो भी शहर की तरफ जा रहे थे। वो फौरन बैक डोर खोलकर अंदर बैठ गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन दोनों को उसकी मदद के लिए फरिश्ते बनाकर भेजा। और यूँ वो अपने घर पहुंची। सब खुशी से भीगे चेहरों से उसे तक रहे थे। आबी सबाहत दौड़ कर उसकी तरफ बढ़ी और उसे अपने गले से लगा लिया। तुम खैरियत से तो हो, तुम ठीक हो ना, वो बार बार उसे चूम रही थी। अबीरा की झील सी आंखों में दरिया उतर आया। मैं ठीक हूँ मामा, वो भीगे लहजे में कह रही थी। मोईज़ हुसैन अलवी ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेराया। डैड, उसके लबों से बस इतना निकला। उन्होंने नरमी से उसे अपने साथ लगा लिया। उसके दोनों चचा, फुफी और दूसरे करीबी रिश्तेदार और कज़न सब मौजूद थे। वो बारी बारी सबसे मिलने लगी। शहरयार, शहरोज और समरोज ने उसके सर पर हाथ रखा। उसे लगा वो अपने साहिबान तले आ गई है। शाहीन आने वाले आना गर्मजोशी से उसे अपने साथ लगा लिया। उसके कंधों की ओट से उसे जो चेहरा नजर आया उसे देख कर उसे करंट सा लगा। ये वही था जिसे अब तक वो देखना नहीं चाहती थी। ये यहाँ क्या कर रहा है, उसे नफरत से लब काटे। दुनिया में किसी को किसी से इतनी नफरत ना होगी जितनी मुझे तुम से है फाराना फंदी, तुम क्यों मेरी नज़रों के सामने आते हो। वो एक झटके से शाहिना से अलग हुई। जवेरिया, अबीरा को ऊपर ले जाओ, ये शावर लेकर चेंज कर लेगी तो इसे ट्रैंकलाइजर देकर सुला दो, मोईज़ ने जवेरिया के पास आकर कहा। तो उसने फ़ौरन अबीर का बाजू थामा, पकड़ा और ऊपर ले आई। अबीरा, अब कोई बात नहीं करना, शावर ले लो फिर टैबलेट लेकर लेट जाना, रेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जवेरिया ने प्लेट बेड की साइड टेबल पर रख दी जिस पर पानी का एक गिलास और टैबलेट रखी हुई थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसके अगवा के दिलखराश वाक्यों को बीते कई दिन हो गए थे, 1, 2, 3, 7 शायद 10 दिन। उसे कुछ खबर ना थी। वो हर वक्त लबों पर कुफल लगाए गुमसुम बैठी रहती थी। ना उसका दिल स्टडी में लगता और ना ही पेंटिंग में। अपने चेहरे पर उदासियां और वीरानियां लिए वो खला में किसी नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए ना जाने क्या खोजती रहती। गुजरे वाक्यात की किसी फिल्म की तरह बार बार उसकी निगाहों में घूमते रहते और वह साकत बैठी उनका हिसाब करती रहती। कई दफ़ा फाराना फंदी का फ़ोन भी आया मगर वो उसकी आवाज़ सुनकर कुछ कहे बगैर ही रिसीवर रख देती।
उसकी आवाज़, उसका चेहरा, उसकी बातें, वो सबसे दूर भागना चाहती थी। कमरे में बैठे बैठे उसका दिल घबरा उठा तो वो बाहर लॉन में निकल आई और आसमान की तरफ देखा। नील को आसमान आहिस्ता आहिस्ता सुरमई बादलों के टुकड़ों की ओर ले रहा था। मस्त खराम ठंडी ठंडी हवाएं दिलो जान को मुअत्तर कर रही थी। वो इन्हीं सोचों के दायरे में घूम रही थी कि किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे ज़ोर से खींचा। उसने नागवारी से निगाहें उठाई। वो जवेरिया थी, उसकी अकब में जैनी खड़ी थी। चलो उठो, जवेरिया ने ज़बरदस्ती उसे उठाया। किधर? उससे चुपती हुई निगाहें उस पर जमा दी। अभी पता चल जाएगा। उसने उसे दोबारा खींचा तो वो बादल ना खास्ता उठ खड़ी हुई। वो उसे तकरीबन घसीटते हुए बैरूनी गेट से बाहर ले आई। वो हैरत से बारी बारी दोनों का चेहरा तक रही थी। बावर्दी ड्राइवर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठा गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। जवेरिया ने बैक डोर खोलते ही उसे गाड़ी के अंदर धकेला और ख़ुद भी अंदर बैठ गई। जैनी एक बड़ा सा पैकेट था, मैं उसके दूसरी तरफ आ बैठी। कुछ ही लम्हों के बाद गाड़ी सुबह खुरामी से लाहौर की सड़कों पर दौड़ रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अबीरा ने झिझलाकर सवाल किया। देखती जाओ, जवेरिया ने नज़रें विंडो स्क्रीन के पार देख रही थी। वो खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरने लगी। आखिरकार उनकी गाड़ी पॉलर के सामने रुकी तो वह हैरत से बेहोश होते होते बची। उसे पॉलर के हाल की नुमा कमरे में लाकर बिठा दिया गया और एक लड़की नहायत मुस्तैदी और महारत से उसके खदोखाल संवारने लगी। उसका दिल चाहा वो यहाँ पर एक हंगामा खड़ा कर दे, मगर जवेरिया की तनबेही निगाहें उसे बहुत कुछ कह रही थी। ये सब आंटी सबाहत के हुक्म पे हो रहा है। जवेरिया ने उसके कानों में हल्की सी सरगोशी की। अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसे दुल्हन बनाया जा रहा था, मगर उससे पूछे बगैर, उसको बताए बगैर, क्या वो इस कदर बेमोल हो गई थी कि उसे पूछना तो दरकिनार उसे बताना भी पसंद नहीं किया गया था। हाँ, क्या अजीब अजब क्या जो ऐसा किया, वो अब अगवाशुदा जो हो गई थी, उसकी हैसियत 2% की हो गई थी। आज शाम 6 बजे घर पर नहाय सादगी से तुम्हारा निकाह हो रहा है, समझे? कुछ सुर्ख रंग का कोहरे की कढ़ाई वाला लहंगा सूट पहनकर खूब सज धज कर अपने तन पर बेशबहा जेवरात सजाया। जब वो कदम का दादम आईने के सामने खड़ी हुई तो जवेरिया उसके कान में बोली तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। मुझे बताओ, मुझे बता तो देते कम अज़ कम, उसने एहतजाज किया। क्या फ़ायदा था बताने का, ये आंटी का कहना था। जवेरिया ने बैग उठाया। ज़रा देखो खुद को, क्या लग रही हो? जवेरिया मुस्कुराई। उसने शाह की नज़रों से खुद को आईने में देखा। उसके नए नकुश किताबी तो थे ही, मगर आज उसकी हुसन की नोक पल यूँ सवारी गई थी कि वो खुद को देख कर दंग रह गई। ये वाकई मैं हूँ, उसकी नज़रें आज खुद उसे सराह रही थी। खूबसूरत मेकअप और जगमग करती ज्वेलरी ने उसके दिलकश नकुश मज़ीद उजागर कर दिए थे। आज उसका रूप ही कुछ और था, वो पागल करने की हद तक हसीन लग रही थी। वो कुछ देर पार्लर में बैठी रही, फिर उन्हें गाड़ी लेने आई और वो गुमगु कैफियत में मुबला मोइज़वला के हाल में पहुंची, जहां उसके करीबी अजीज़ वकारीब डैड के दोस्त उसके भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ मौजूद थे। इतना कुछ हो गया और मुझे खबर नहीं, हैरानी के लहरों में गुमसुम उसे सोफे पर बिठा दिया गया। किससे हो रहा है मेरा निकाह? उसने धक धक करते दिल के साथ पूछा। उधर देखो, जवेरिया ने दूर खड़े शख्स की तरफ इशारा किया। उसने उसी जानिब निगाहें उठाईं। ज़मीन आसमान उसकी नज़रों में घूम गए, उसकी बसारतें चटक कर रह गईं। वो फाराना फंदी था, ग्रे कलर की टू पीस में मलबूस, अपने चेहरे पर मसखर करने का नशा लिए वो उसकी जाने भी देख रहा था। उससे घबरा कर निगाहें झुका ली। अबीरा माई डार्लिंग, फारान इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, सबाहत का निखरा निखरा जगमगाता चेहरा उसका उसकी तरफ झुका। वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। मामूली मामूली बात पर उसका मशवरा लेने वाली ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ पर उसे दगा दे गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो उठकर अपने कमरे में चली आई। सबाहत उसके पीछे आई थी। मैं किसी कीमत पर फारान और फंदी से शादी नहीं कर सकती, उसके लहजे में ढूंढने से भी नरमी का तासुर ना मिलता था। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? सबाहत ने बेबसी से कहा। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, उसका लहजा अटल था। उसके फैसले में किसी किस्म की तमीम की गुंजाइश ना थी। अबीरा, मोईज़ हुसैन अलवी की कड़कदार आवाज़ कमरे में गूंज कर रहे कि वो उसके कमरे के दरवाज़े के दरमियान खड़े नजर आए। तुम बहुत खुदसर और ज़िद्दी लड़की हो जिसे अपने ख़ानदान की इज्जत का कोई पास नहीं, मगर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। मेरी भी ज़िद्द है कि तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ेगी, वो उंगली उठाकर हतमी अंदाज में बोले तो वो तिल मिला कर रह गई। हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊँगी मगर उससे शादी नहीं करूँगी। तुम्हें शादी करना पड़ेगी अबीरा, इस बार तुम ना नहीं कर सकोगी। इनकार की सूरत में तुम्हें जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसका तुम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकती। वो चंद सानियों के लिए रुके और उसे तोलती हुई निगाहों से देखने लगे। क्या मतलब? वो चिढ़कर बोली। सबाहत हैरान परेशान दोनों का मुकालमा सुन रही थी।
अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी माँ को डाइवोर्स कर दूंगा। उन्होंने गोया धमाका कर दिया। अबीरा यकीन ना करने वाले अंदाज में उन्हें देख रही थी। उसके दिलो दिमाग पर जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा था। डाइवोर्स डाइवोर्स, उसके दिमाग में एक ही लफ्ज़ तकरार होने लगी। सबाहत साकत खड़ी थी। उन्हें अपनी हस्ती के बेमोल होने का पता था, इसलिए खामोश रही। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं फरहान से शादी कर लूँगी। आप जिससे कहें मैं उससे शादी कर लूँगी, मगर मेरी माँ पर यह जुल्म मत करें, मत करें ये जुल्म, वो रंधे हुए लहजे में कहते हुए फर्श पर अकड़ू बैठ गई। मोई जुल्मी कुछ देर तक उसे यूं ही रोता देखते रहे और फिर कमरे से निकल गए। अबीरा को मनाने के लिए उन्होंने अपने तरकश का आखिरी तीर आजमा लिया था और उसमें कामयाब रहे थे। वो अपने वालिदैन के साए में रुखसत होकर उसके संग गाड़ी में बैठी तो उसके कान के पास अपनी मकबूल दिलकश आवाज में गुनगुनाया तो उसके जिस्म का रवां दवां जैसे सुलग उठा। उसने जलती निगाहों से अपने करीब बैठे हुए फाराना फंदी को देखा, जो अपनी आंखों में दुनिया भर की मोहब्बत समेटे पुरशोक निगाहों से उसे तक रहा था। उससे जलकर चेहरा नीचे कर लिया। उसका निकाह नहायत ही सादगी के साथ हुआ था, मगर मोईज़ वाला के बरक्स फारान वाला में रंगों की बरसात उतरी हुई थी। शाम का धुंधलका घनेरे बादलों की वजह से अंधेरे में तब्दील हो रहा था। जब उनकी गाड़ी फारान वाला के सामने रुकी, वसी और रीस बंगला सफ़ेद रोशनियों से सजा बुक्का नूर लग रहा था। फारान की कजन्स ने उन्हें गेट पर रोक लिया और उन पर सुर्ख पत्तियों की बरसात करने लगी। अंदर और ही जहाँ आबाद था। शोक सजे सजाए चेहरे मुस्कुरा रहे थे। खुशबुएं हर सुर रोशनियाँ बिखेर रही थी। हंसी की चहकारें गीतों की ताल से पूरा फारान वाला गूंज रहा था। फारान की कजन्स की छेड़छाड़ में वो खुद को बहुत अहमक महसूस कर रही थी। फिर ना ख़त्म होने वाली अजीबोगरीब रस्में शुरू हो गई। थकन से उसका अंग अंग चूर था। वो चाहती थी अपने कमरे में जाकर आराम करे। आखिर खुदा खुदा करके उसे सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका दिया गया। फरहान की कज़न उसे बाजू से थाम कर अंदर ले गई। कमरे में जा बजा सूख गुलाबों के गुलदस्ते रखे गए थे। दरो दीवार को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। मदहोश करने वाली खुशबू से कमरा महक रहा था। वो आराम से बेड पर चढ़कर बैठ गई और टांगे पसार ली। फरहान बेड पर उसके नज़दीक ही बैठ गया और लव के लव से कनंदा गोल्ड का लॉकेट उसकी निगाहों के सामने लहराया। इसे क्या कहते हैं भला? हाँ, मुंह दिखाई, मगर मेरी तरफ से तो ये मोहब्बत का तोहफा है। वो मुस्कुराते हुए गालिबन उसे नेकलेस पहनाने के लिए उसकी तरफ झुका, मगर उसने फारान के हाथों से खींच लिया। वो उसकी जसारत पर हैरान रह गया। तुमने कहा था मोहब्बत जंग में सब जायज़ है, और मफरूर सिकंदर आजम तुमने यही किया। हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से मुझे अपनाना चाहा। मैंने हर बार इनकार किया, यहाँ तक कि तुम इंसानियत की सतह से बिगड़ गए और मुझे किडनैप करा लिया, ताकि तुम्हें अपनाने के सिवा मेरे पास कोई चारा ना रहे। फिर तुमने एक और साजिश खड़ी और कामयाब रहे, मगर मेरा भी ये चैलेंज है कि तुम मुझे पाकर भी ना पा सकोगे। उसने सुर्ख रंग की चूड़ियाँ उतारकर बेड पर फेंक दी और गुलाबों की पत्तियाँ नोच डाली। फाराना पंदी साकत रह गया। मैंने कोई साजिश नहीं की, वो ठोस तहजे में बोला। अच्छा, वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। वो अबीरा अलवी से अबीरा फराना फंदी बनकर फरान वाला में आ तो गई थी, मगर दिल में बदगुमानियों का राज था और उनकी मौजूदगी में दिल कभी मिला नहीं करते। वो दोनों पास रहकर भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। फराना फंदी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा था कि अपने और उसके दरमियान फासले को पार सके, मगर अबीरा उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए डट जाती थी। फरहान ने फिल्मी लाइन छोड़ दी थी और अपनी जेर तकमील फिल्मों को मुकम्मल करवा के अब किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर ली थी, मगर अबीरा किसी न किसी फिल्मी सीन पर तबसरा करके उसे शर्मसार किए बिना बगैर ना रहती थी। वो उसे हर वक्त हर पल जिज करने के लिए तैयार रहती थी। यार रीशा, ये फिल्मों में बेडरूम सीन कुछ ज़्यादा ही नहीं दिखाने लगे? और फरहान अफंदी को तो देखो ज़रा, किस कदर हकीकत से करीब अदाकारी कर रहा है। मुझे गुमान हो रहा है मैं उसकी बीवी नहीं, फिल्म की ये हीरोइन उसकी बीवी है, वो उसकी कज़न से कहती है। और साथ बैठा हुआ फरहान अपने फक होते चेहरे के साथ उसके दिल के अंदर ठंडक उतार देता। अबीरा लाख कोशिशों के बावजूद उसकी कोई किरदार की खामी तलाश ना कर सकी थी, ताकि उसके दिल में तंज के खंजर उतार सके। बाजुकात वो गौर से उसकी आंखों में देखती, जैसे खोज रही हो कि उसने ड्रिंक तो नहीं की, और फरहान को उसकी इस बचकाना हरकत पर हंसी आने लगती। उसका बस चलता तो वो उसके पीछे जासूस लगा देती, ताकि उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी उसके हाथ आ जाती और वो उसके लत्ते लेती, मगर ये हसरत ना तमाम रही। तन्हाई में बैठती तो उसकी जादूगर आंखें उसे सताने लगती। वही 1% है, वही है, कोई उसके पास सरगोशी करता? हरगिज़ नहीं। वो 1% नहीं अगर होता तो मुझे यूँ अगवा ना करता, मुझे यूँ रुसवा ना करता, दिमाग तावीलें देता तो उसे दुरुस्त लगती। फहमीदा फंदी की बोलती हुई आँखें उसे बहुत चबा कर
बहुत चुभा करती, मगर उन्होंने दोनों के दरमियान मुदाखलत कभी नहीं की। वो रवायती सास की हिम्मत से बिल्कुल बरक्स थी। वो बहुत हमदर्द और मुखलिस खातून थी। कम अज़ कम अपने लिए तो उसने उनके होंठों पर एक खुशगवार सी मुस्कुराहट ही देखी, और वो और फरहान एक दूसरे की जिद बन चुके थे। दिन ऐसे ही बेरंगो बेकैफ गुजर रहे थे। वह दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुई तो हैरत ज़दा रह गई। कमरे में बिल्कुल तारीखी थी, मुकम्मल तारीखी। कमरे के वस्त में धरे टेबल पर एक केक था। केक के इर्द गिर्द कैंडल्स जल रही थी और केक के अकब में झांकता हुआ फाराना पंदी का दिलकश चेहरा, उसकी ब्राउन आंखों का वालेहाना पल उसके दिल के अंदर हलचल मचा गया। कैंडल्स की हल्की हल्की रोशनी में उसके चेहरे का फसूं दो चंद हो रहा था। कमरे का रोमान पर माहौल उसके हवासों पर छाने लगा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, फराना पंदी की भारी और पुरफसूँ आवाज़ ने उसे सकूत में जैसे कंकर फेंके। वो बेतरह चौंक गई और जैसे होश में आ गई और फिर बेहिसी की चादर तान ली। अचानक ही कमरा रोशनियों में नहा गया। गालिबन फरहान ने आगे बढ़कर स्विच ऑन किया था। बेड पर एक बुके कार्ड और गिफ्ट पैक धरा था। इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी, उसने नरूठेपन से कहा। मोहब्बतों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत होती है, वरना वक्त की गर्द से ये धुंधली होने लगती हैं, उसने फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया तो वह गहरा सांस लेकर रह गई। ये कार्ड है, फराना पंदी ने उसकी निगाहों के सामने कार्ड लहराया। एक गज़ल बड़ी अच्छी लगी सो तुम्हें लिख डाली, अगर इजाज़त हो तो पढ़कर सुनाऊँ, उसने गला खंकारा। उसका दिल चाहा कह दे नहीं, मगर वो कह ना सकी, खामोश रही। खामोशी नीम रजामंदी होती है, वो मुस्कुराकर बोला। कई लम्हे ऐसे ही बीत गए। उसकी बोलती निगाहों से उसे उलझन हो रही थी। ये हदें ना तोड़ देना, मेरे दायरे में रहना, मुझे अपने दिल में रखना, मेरे हाफजे में रहना। उसके होंठों की सरहदों को पार करते हुए अल्फाज सीधे उसके दिल में छेद करने लगे। कैसा जताने वाला अंदाज था, बड़ी अजीब सी तनबीह थी। उसकी तिश्नगी को महसूस करके उसे अपना वजूद सुन होता हुआ महसूस हुआ। मेरा बोझ खुद उठाना, मेरा कर बाप सहना, मेरे जख्म बांट लेना, मेरे रत जगह में रहना। पसीने की नन्नी नन्नी बूंदें उसकी सभी पेशानी पर नमदार होने लगी। वो दिलचस्पी से उसके चेहरे के जंगल में गुम था। मेरा हुक्म खुद सुनाना, मेरी मुहर खुद लगाना, मेरे मशवरे में होना, मेरे फैसले में रहना। कभी मंजिलों की सूरत मेरी दस्तरस से बाहर, कभी संगे मील बनकर मेरे रास्ते में रहना। मेरे हाथ की लकीरें तेरा नाम बन के चमकें, मेरे ख्वाहिशों की खुशबू मेरे जायचे में रहना। वो मुसलसल पड़ता हुआ उसके दिल का बोझ बढ़ा रहा था। वो क्या कहना चाहता था, क्या वो समझ रही थी। अजब गोरख धंधा था, समझ से बाहर था। वो बेडरूम में पहुंचा तो वो बत्तियां गुल करके सोने की तैयारियों में थी। नीले रंग का जीरो बल्ब जल रहा था। अबीरा वही पहले दिन वाला पिंक कलर का सादा सा शलवार सूट ज़ेबतन किए हुए थी। उसे देखकर उसका दिल कर्सा गया। उसका अजनबी बनकर रहना उसे अब अजाब लगता था। वार्डरूम में बेशुमार नाइटी हैंग की हुई हैं, तुम वो पहन सकती हो, ना जाए किस जज्बे के तहत वो कह उठा। वो आपकी चॉइस करदा लगती हैं, जब ही इतनी मुख्तसर और वल्गर हैं। मुझे ये पहनकर आपके साथ कोई फिल्मी सीन फिल्मबंद नहीं करवाना। वो ज़्यादा तंज पर उतर आई तो उससे आप जनाब करने लगती थी। अबीरा इट्स टू मच, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। वो तो शुरू ही से उसकी बातें उसकी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। आज न जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया। उसे बेड पर बैठते देखकर वो उठकर जाने लगी तो उसने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। वो ज़रा खिसक कर बैठ गई। मम्मी का कहना है कि हम इस्लामाबाद मरी हो आए, डू यू लाइक टू गो विद मी, वो अब नरमी से पूछ रहा था। हाँ, वो बस इतना कह पाई, पैकिंग अभी कर लो। उसके कहने पर उसने इस्पात में सर हिला दिया और वार्डरोब खोलकर अपने और उसके कपड़े निकालने का इरादा करने लगी। फरहान के कपड़ों का खाना खोलकर वो जामिद सी खड़ी रही। ये पहला मौका था कि वो उसके वाला हिस्सा खोल रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कौन से कपड़े निकाले। वो यूं ही खड़ी रही, रवायती बीवियों की तरह। उसने कभी उसके कपड़े निकाल कर इस्त्री नहीं किए। वो हमेशा कुछ कहे बगैर खुद ही अपने कपड़े इस्त्री कर लेता था। उसने कभी उस पर रोब नहीं जमाया था, उसे कभी हुक्म देकर बात नहीं की थी। अपनी बदतमीज़ी में बाज़ूकात वो हद से गुजर जाती थी, मगर वो खामोश हो जाता था। उसके साथ उसने कभी डांट डपट नहीं की थी। उसके किरदार के बारे में वो दुनिया जहाँ से तस्दीक चाहती थी, जबकि उसकी सबसे बड़ी गवाह वो खुद थी। शब रोज़ उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजरता था, मगर उसने कभी अपने इस्तेकाक का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसने उसे बाशगाफ कह दिया था।
मैं कभी तुमको अपने नज़दीक नहीं आने दूंगी। तुम जीत कर भी हार जाओगे फारहान, हमेशा जीतने वाले सिकंदर आजम तुम हार गए हो। वो उसे तंज के कचोके लगाए बगैर ना रहती। वो चुप साकत उसकी बातें सुनता और वो कोई जवाब ना देता। वो सोचती जा रही थी और उसकी ड्रेस देखती जा रही थी। मैं तुम्हारी मुश्किल दूर कर देता हूँ, वो उसके अकब में आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर मतलूबा कपड़ों वाले हैंगर निकाल दिए। वो सांस रोके खड़ी रही। उसने अपने और उसके कपड़े बेड पर डाल दिए और बैग तैयार करने लगी। फारिग होकर वो सोने के लिए लेट गई। फारहान पहले ही कारपेट पर दराज हो चुका था। रात यूं ही सोते जागते गुजरी। अगले दिन भरपूर तैयारियों के बाद वो एयरपोर्ट रवाना हुए। फारहान के बाबा और मम्मी एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने आए थे। वो जहाज़ में सवार हुए और अपनी सीटों की तरफ बढ़े। इस्लामाबाद के तमाम काबिल जिक्र मकामात, दामने को, रावल डैम, बादशाही मस्जिद, शाह फैसल मस्जिद, गर्ज, ये के सारे मकामात तीन दिन में खंगाल डाले। उसके बाद वो कागान रवाना हुए। कागान में झील सैफ अल मलूक का किनारा, नीलगु पानी, बुलंद बाला को हसारों के पीछे, नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों के टुकड़ों का झुरमट, ये सब कुछ एक पेंटिंग का हिस्सा लग रहा था। वो भी फितरतन आर्टिस्ट थी। उसकी हिस्से मसवरी फड़क उठी। वो इस्लामाबाद से पेंटिंग का ज़रूरी सामान खरीद चुकी थी। एजल पर कैनवस लगाकर वो कलर्स हाथ में पकड़े फितरत के नज़ारों में खो गई। उसने कलर्स पे ब्रश चलाया और स्टार्ट लिया। फाराना फंदे उसे गहरी नज़रों से पेंटिंग बनाते हुए देख रहा था। अबीरा, क्या तुम मेरी पेंटिंग बनाओगी? एक अजीब सी पागल सी ख्वाहिश उसके अंदर अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसके लहजे में अजीब सी हसरत बोल रही थी। अबीरा ने लम्हा भर को नज़र उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखों में मचलते जज्बों को देखकर सर झुका लिया। तुम्हारी पेंटिंग तो मैंने बनाई थी, तुम्हें मॉडल बनाए बगैर, वो सोच कर रह गई मगर कह ना सकी। उनके बीच जैसे सदियों का फासला हायल हो चुका था। किस कदर दीवानगी से उसने हसीन शाहकार के नक्कूश तराशे थे। अब वो बात कितनी ख्वाब ख्वाब सी लगती, और आज वक्त उसे किस दौराहे पर ले आया था। न नफ़रत न मोहब्बत, वो दोनों जज्बों के दरमियान कहीं मुअल्लक थी। तुमने जवाब नहीं दिया, उसने कुरेदा। ज़रूर बनाऊंगी मगर अभी नहीं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो उसे देख कर रह गया। शाम को वो वॉक के लिए निकले, थक खाकर वो वहाँ मौजूद बड़े पत्थरों पर बैठ के। फारहान, कायनात में हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी हुई है, बस देखने वाली आँख चाहिए। ज़रा देखो उधर, साफ शफाफ पानी के अंदर मुख्तलिफ रंगों के गोल गोल पत्थर किस कदर हसीन। किस कदर हसीन लगते हैं, दिल चाहता है कि उनका हुस्न में कैनवस पर मुंतकिल कर दूं। वो चुप रहा, उसे हैरत हुई। उसने ज़िंदगी में पहली बार उसे इतनी सुलझोई से मुखातिब किया था। लगता था मौसमों के हुसन ने उसके दिमाग पर अच्छा असर डाला था। ऐ पत्थर दिल लड़की, तुम्हें सिर्फ पत्थरों का हुसन नज़र आता है, कभी मेरे दिल में झांको, वहाँ तुम्हें इतना हुस्न नज़र आएगा कि गंग रह जाओगी। दिल की बात ज़ुबान पर ना लाना चाहता था क्योंकि फ़ायदा ना होगा। उन्होंने सारे शिमाली इलाका जात घूम लिए, मरीकी भी खाक छान मारी। वो शाम को खानसपुर पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना और घिसा पिटा सा लकड़ी का रेस्ट हाउस ही दस्तयाब हो सका। उन्हें रात वहां गुजारनी थी और अगली सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रवाना हो जाना था। उनका रेस्ट हाउस बुलंद जगह पे था। वो दोनों नशेब की तरफ उतर रहे थे। यहाँ वाकई एक अजीब पागल कर देने वाला सकूत था। वापस आए कई दिन गुजर गए थे। उस दिन अलमारी साफ करते हुए इतफाक़न अबीरा के हाथों फारहान की डायरी लगी, जिसमें अपने मुतालिक उसकी शिद्दतों, चाहतों और मोहब्बतों का हाल पढ़कर वो हैरत के समंदर में गुतज़न हो गई। उसी वक्त फारहान कमरे के अंदर आया तो अपनी स्याह डायरी उसके हाथ में देखकर उसे हैरत का झटका लगा। तुमने ये गैर इखलाकी हरकत क्यों की? मेरे सेफ से ये डायरी तुमने क्यों निकाली? वो उस पर बरस ही तो पड़ा। वो उसके गुस्से से दहल कर रह गई। उसे पहली बार इस रूप में देख रही थी। मैंने कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की, ये हरकतें तुम्हें ही मुबारक हो, ये तुम्हारे कपड़ों के नीचे पड़ी हुई थी। वो बज़ाहिर उसके गुस्से से मरूब हुए बगैर बोली, मगर अपने अंदर एक वो लर्जिश सी महसूस कर रही थी। मैंने कौन सी गैर अखलाकी हरकत की है? वो तनक कर बोली, तुमने मुझे अगवा नहीं कराया क्या? इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे यूँ बदनामी के घड़े में धक्का देता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें अगवा करवाया है?
और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे अगवा नहीं करवाया? उसके जवाब पर वो लड़खड़ा कर रह गया। या इलाही, वो कैसे अपनी बेगुनाही का सबूत दे? वो तेज़ कदमों से चलता हुआ कमरे से निकल आया। बाहर दरवाजे पर फहमिदा फंदी इस तरह आपकी तस्वीर बनी खड़ी थी। वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। वो खामोशी से अंदर चली आई। अबीरा, उसने सर उठा कर देखा। फहमिदा रंजीदा चेहरा लिए खड़ी थी। तुम्हारा अगवा मेरी और फरजाद की मिली भगत थी। मेरा बेटा इसमें मुलविस नहीं। तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो मैं तुम्हें फरजाद के दोस्त की कोठी का वो तहखाना दिखा सकती हूँ जहाँ तुम्हें कैद किया गया था। मगर फारान फरजाद के दोस्त को जानता तक नहीं। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि फारान बेगुनाह है। मैंने सिर्फ फारान की मोहब्बत में अंधी होकर यह हरकत की, क्योंकि मैं उसे तुम्हारी हिजर की आग में जलता हुआ नहीं देख सकती थी। मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ। अगर मेरी कोई बेटी होती और उसके साथ ऐसा वाकया होता तो मैं जीते जी मर जाती। मुझे माफ़ कर दो अबीरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बाकायदा हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी थी। उनके किए हुए इंकशाफात ने उसे चकरा कर रख दिया था। आंटी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गुनाहगार ना करें। उसने उनके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, बेटे की मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। क्या फ़ायदा मेरी उस हरकत का? वो अब भी हसरतों के अलाव में जल रहा है। वो बेगुनाह है, उसकी आंखों में आंसू थे। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर लूँगी, उसने उन्हें हौसला दिया तो वो मुस्कुरा दी। रात को फारान अपने कमरे में आया और उसे नज़रअंदाज करके बाथरूम में घुस गया। बाहर आया तो सफ़ेद ट्राउज़र और ढीली ढाली टी शर्ट में मलबूस था। वो हसब मामूल कारपेट पर तकिया रख कर लेट गया और चादर तान ली। वो मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसकी चादर खींच ली। वो झुंझला कर उठ खड़ा हुआ और उसे कहर बार नज़रों से घूरने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? वो धाड़ा। तुम्हारी मामा ने मुझे बताया कि वो और फरजाद अंकल मेरे अगवा में मुलविस थे। मैं दुरुस्त कहती थी ना, उसने धड़ल्ले से इंकशाफ किया तो फारान धक से रह गया। बेयकीनी उसके चेहरे से आया थी। ये क्या बकवास है? वो गुर्रा है। जाओ अपनी माँ से पूछो जाकर, उसने मुझसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगी है। उसने फारान को ताव दिलाया और वो तन फन करता हुआ कमरे से निकल गया। वो यकीनन फहमीदा फंदी के पास गया होगा ताकि उसकी बात की तस्दीक कर सके। अबीरा को शक था कि ये माँ बेटे का कोई मुश्तरका ड्रामा ना हो। वो हकीकत की गहराई तक पहुँचना चाहती थी। वो भी दबे पाँव फारान के पीछे पीछे चलने लगी। वो पूरी कुव्वत से अपनी माँ के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। फहमीदा ने दरवाज़ा खोलो तो फारान चेहरे पर तनाव लिए खड़ा था। इफ्तखार महबूदा फंदी भी बेड पर संभल कर बैठ गए। क्या बात है बेटा, तुम इस वक्त इतने ख़तरनाक मूड में? वो इस्तफसार कर रहे थे। मम्मी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। उसका सांस थूकने की मानित चल रहा था। जज्बात के तला तुमने उसके अंदर बिजलियाँ भर दी थी। पूछो, वो कमज़ोर से लहजे में बोली। वो जानती थी ये इंकशाफ का वक्त है। आपने और अंकल फरजाद ने अबीरा को अगवा किया था? वो दोनों हाथों की उंगलियाँ एक दूसरे में फंसाए इंतहाई बेकरारी के आलम में खड़ा था। हाँ, वो मुख्तसरन बोली और एक ठंडी सांस खारिज की। उनका हाँ फारान के दिल पर किसी तूफानों की तरह बरपा हुआ। उसके पूरे वजूद में आंधियाँ चल रही थी। वो बेयकीनी से उस हस्ती को देख रहा था जिसे वो दुनिया की अजीम तरीन औरत समझता था। वो उस हद तक गिर सकती थी वो तसव्वुर भी ना कर सकता था। बेटा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया। मैं रोज़ तुम्हें जीते और रोज़ मरते हुए नहीं देख सकती, मगर अनजाने में मैंने किसी का नाजुक दिल पारा पारा कर दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत सौंपना चाह रही थी। मेरा ख्याल था कि रसवाई से घबरा कर वो तुम्हें अपनाने से इनकार नहीं करेगी। अबीरा के अगवा पर उसके घर में जो कोहराम मचा, मैंने खुद को पस्तियों में घिरा महसूस किया। मैं खुद को तुम्हारा और अबीरा दोनों का मुजरिम समझती हूँ। बेटा, हो सके तो अपनी मोहब्बत में मजबूर इस माँ को माफ़ कर देना। फहमीदा की आंखों में जलतल हो गया। मम्मी, ये आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा? मेरी मोहब्बत में ऐसा क्यों किया? रहने देती मुझे यूं ही नामुराद। किसी के दिल में मोहब्बत की जो ज़बरदस्ती नहीं जगाई जा सकती, उसकी और मेरे दरमियान आज सदियों का फासला है जिसे पाटना मेरे बस में नहीं। वो दर्द भरे लहजे में बोलता जा रहा था। मम्मी, बरसों से आपका वही मत जिसे मैं पूछता आ रहा था। वो रेजा रेजा हो गया। मुझे कितने दुख है मम्मी, कितने, किस किस का मदावा करेंगी आप? वो उनके हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे के पीछे खड़ी अबीरा पे आज सारी हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया हो गई थी। उस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा बेकसूर फारान था और उसी का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। उस गलत फहमी में रहकर उसने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हे बर्बाद कर दी और अब वक्त आ पहुँचा था कि वो उनकी तलाफ़ी करे। अचानक मिलने वाली खुशी ने उसके चेहरे पर चरागा सा कर दिया। उसे उसका 1% जो मिल गया था, ये तो वही था जिसने अपनी खुशबू से उसके ख्वाब महका दिए थे। वो मुस्कुराती हुई अंदर चली आई। कमरे में मौजूद तीनों अनफास ने उसे चौंक कर देखा। ये मोहब्बतें भी बहुत अजीब होती हैं फारान, इंसान से वो सब कुछ करा लेती हैं जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं होता। मम्मी ने तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर अगवा जैसा घरावना फेल किया, मगर उनका मकसद बुरा नहीं था। वो मोहब्बत पाश लहजे में कहते उनके करीब आकर बोली तो फहमीदा पंदी के लबों पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट आ गई। कोई किसी का एहतसाब नहीं कर सकता, सबसे बड़ा मुनसिब तो इंसान का अपना ज़मीर होता है। इफ्तखार महमूदा पंदी संजीदगी से बोले।
फरहान ने मोहब्बत से फहमीदा पंदी के हाथ थाम दिए। उसके दिल में अब भी एक फांसी थी, वो अबीरा के हवाले से थी कि वो उसे नफरत करती है, शदीद नफरत, मगर फिर भी उसे जीवन साथी के तौर पर कबूल करने पर मजबूर थी। उसने सोच लिया था कि अब वो मजबूरियों का कोई सौदा नहीं करेगा। वो दोनों ने शब बखैर कहते हुए उनके बेडरूम से बाहर निकल आए। वो राहदारी में आए तो फरहान चलते चलते अचानक रुक गया। अबीरा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अबीरा, आज सारे अकदे खुल गए हैं कि ना मैं कसूरवार हूँ और ना तुम। तुम बेगुनाह सूली पर लटका दी गई हो और एक नापसंदीदा हस्ती के साथ सारी उम्र बिता देना आसान काम नहीं। तुम चाहो तो अब भी रास्ता बदल सकती हो, मैं पेपर्स तैयार करवा लूँगा। मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ बांधकर नहीं रखना चाहता। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने जज्बों पर बंद भी नहीं बांध सकता, वो फैसलाकुन अंदाज में बोला। आप कुछ भी नहीं कर सकते फरहान महमूदा फंदी, आप तो सही फैसला भी नहीं कर सकते, आप तो किसी के दिल के अंदर भी नहीं झांक सकते, आप बिल्कुल किसी काम के नहीं। उसकी आवाज़ में नाराज़ी थी। क्या मतलब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आप बड़े ना समझें, वो शोखी से बोली और उसका हाथ थाम लिया। उसकी इस जसारत पर वो हैरान रह गया। ये हाथ उसके हाथ में हो, ये कभी उसके दिल की हसरत थी और आज उसने कितने आराम से उसका हाथ थाम लिया। वो हैरानी से उसे तकने लगा। चले मेरे साथ, वो उसका हाथ पकड़े गेट की तरफ ले जाने लगी। कहाँ? इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, वो बौखला कर बोला। मैं आपको अगवा नहीं कर रही और वैसे भी ये लाहौर है जहाँ रातें जागती हैं, वो मैनी खेजी से बोली। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे, अबीरा खुद ड्राइव कर रही थी। चौकीदार ने मुस्तैदी से गेट खोला और उनकी गाड़ी आहिस्तगी से बाहर निकली। वो नहायत रेस ड्राइव कर रही थी। मुइज़ वाला पहुँच कर वो हॉर्न पर हॉर्न देने लगी। फरहान बार बार हैरत से उसे देख रहा था। कुछ बोलना चाहता तो वो होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर देती। वो उसकी आंख मचोली से महजूज हो रहा था। गेट कीपर ने गेट खोला तो उनकी गाड़ी रेंगती हुई अंदर चली गई। घर वालों से मिलने की बजाय अबीरा फरहान को घसीटते हुए अपने पेंटिंग रूम में ले आई। फरहान ने हैरानी और मसरत से हॉल के तूल वर्स का जायज़ा लिया। अबीरा ने फौरन दीवार गिर अलमारी का पट खोला, कपड़े से ढका हुआ पोर्ट्रेट बाहर निकाला। वो बेताबी से उसकी हरकत और सकनात मुलाहिजा कर रहा था। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना फरहान के मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊँ, ये देखो, उसने कहते हुए कपड़ा खींच लिया। पोर्ट्रेट को देखकर उसकी निगाहों में हैरतों के दिए जल उठे। ये तो उसका अपना पोर्ट्रेट था, स्याह अंडा काट के सामने अपने बालों को संवारता हुआ दिलकश सहरंगेज फरहान महमूदा फंदी। वो बेयकीनी से कभी पोर्ट्रेट को देख की तरफ देख रहा था और कभी अबीरा को। ये कब बनाया तुमने, उसके लबों में जुम्बश हुई। उस वक्त फरहान, जब तुमने मुझे देखा तक नहीं था और मैंने तुम्हें गाड़ी से निकलते हुए देखा था। मैंने उस दिन तुम्हारी गाड़ी का ताकुब भी किया था ताकि तुम्हें पेंट कर सकूं, मगर उस दिन मैंने तुम्हारा निशान खो दिया था। फिर दिन रात तुम्हें सोचते सोचते तुम्हारा पोर्ट्रेट बना लिया। मेरी मोहब्बत की शिद्दत तो देखो, दिन रात तुम्हें अपनी निगाहों के सामने मुजस्सम देखती थी। इससे बड़ा मोहब्बत का सबूत भला क्या होगा। मैं तो तुमसे पहले तुमको चाहती आ रही हूँ। बोलो, अब मैं रास्ता कैसे बदलूँ, कैसे? वो लम्हा लम्हा खुद पर बीतने वाली दास्तान मोहब्बत का वर्क वर्क खोल रही थी। उसकी इस अचानक और हसीन इंकशाफ ने फरहान को मसरत के साथ में आसमान पर पहुँचा दिया था। वो पहले से ही मुख्तलिफ इंतहाओं में सफ़र कर चुका था और आज वो खुशी की इंतहा पर था। उसकी आंखों में यक बयक मोहब्बतों के दीप जल उठे थे। अल्लाह मोहब्बतों को कभी रायगाह नहीं जाने देता। उसे आज अपनी सारी रियासतों का फल मिल गया था। अपने सामने खड़ी उस लड़की को उसने कितनी शिद्दत से चाहा था, जो उसे मिल तो गई थी मगर वो उसे पाकर भी ना पा सका था। कितनी हसरत थी उसे उसके दिल में उतरने की, अपना अक्स उसकी आंखों में देखने की, अपनी मोहब्बत में पागल देखने की, उसे छूने की, उसे पाने की, और आज सारी हसरतें पूरी हो रही थी। कितनी नाकाबिले यकीन बात थी, वो अजल ही से उसकी थी और वो जानता ना था। वो सोचता जा रहा था और बाराफ्तगी और बेखुदी में उसे तक के जा रहा था। उसकी गहरी नज़रों की हिद्दत ने अबीरा का चेहरा गुलाब कर दिया था। अब शेर नहीं सुनाओगे, वो शर्मीली मुस्कान होंठों पे सजा कर बोली। हाँ क्यों नहीं, वो भी भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। न तुमको होश रहे और ना मुझको होश रहे, इस कदर टूट कर चाहो मुझे पागल कर दो। उसे कंधों से थामकर उसके कानों के बिल्कुल करीब वो मखमूर सी आवाज़ में गुनगुनाया तो उसके रुखसारों के गुलाब दहक उठे। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है कि आपको बाकी नावल्स की तरह ये नावल भी बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। इस नावल पर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा मुझे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।